गुड इवनिंग स्टूडेंट्स, पिछले टर्न पर हम पढ़ रहे थे इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू चार्ज रिंग, ठीक है, उसकी एक्सेस पर हमने इलेक्ट्रिक फील्ड का डेरिवेशन किया था, लेकिन वो बीच में ही किसी टेक्निकल इश्यू के कारण क्लास कट हो गई थी। तो एक तो आज हम उस क्लास को कंटिन्यू करेंगे, मतलब वो डेरिवेशन को कंटिन्यू करेंगे पूरा, और क्वेश्चन ऑफ द डे आज एक अच्छा क्वेश्चन एक और करवाएंगे, और आज से एक नया टॉपिक है इलेक्ट्रोस्टैटिक्स का ही, इलेक्ट्रिक फ्लक्स, उसको हम स्टार्ट करेंगे। तो बच्चों सबसे पहले तो इलेक्ट्रिक फ्लक्स ही स्टार्ट करेंगे। इलेक्ट्रिक फ्लक्स होता क्या है, इलेक्ट्रिक फ्लक्स कैसे फाइंड करते हैं, दूसरा इसके एप्लीकेशन क्या है, ठीक है, किस तरीके से कहीं और यूज हो सकता है क्या ये, वो एप्लीकेशन में आता है। फिर इलेक्ट्रिक फ्लक्स फाइंड करने के कितने तरीके हैं, उनमें एक तरीका गॉस थ्योरम भी है। गॉस ने एक सिंपल तरीका बताया था फ्लक्स फाइंड करने का, तो हम उस गॉस थ्योरम की बात करेंगे। गॉस ने जो स्टेटमेंट दिया उसको हम प्रूफ करेंगे, ठीक है, वो गॉस थ्योरम का प्रूफ एकेडमिक एग्जाम में पूछा जाता है। फिर इसके एप्लीकेशन पढ़ेंगे, बहुत सारे न्यूमेरिकल्स हैं, क्वेश्चंस हैं, वो आपके बुकलेट में डीपीपी के फॉर्म में, प्रैक्टिस शीट के फॉर्म में दिए हुए हैं, तो उनको हम डिस्कस करेंगे, ठीक है। तो चलिए बच्चों अब हम स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले इलेक्ट्रिक फ्लक्स, तो बच्चों यहां से स्टार्ट करेंगे हम इलेक्ट्रिक फ्लक्स। इलेक्ट्रिक फ्लक्स क्या होता है, आपने थोड़ा बहुत फ्लक्स 11th में फ्लूइड मैकेनिक्स में पढ़ा था। फ्लक्स मींस समथिंग फ्लो, तो अगर कुछ फ्लो हो रहा है, ठीक है, और वो एक पर्टिकुलर एरिया है उसके परपेंडिकुलर फ्लो हो रहा है तो उसको बोलते हैं फ्लक्स, राइट। तो यहां पर तो बात कर रहे हैं हम इलेक्ट्रिक फ्लक्स की, तो इलेक्ट्रिक फ्लक्स का मतलब इलेक्ट्रिक लाइंस अगर किसी किसी एरिया के परपेंडिकुलर निकल रही हैं, उसको क्रॉस करती हुई बाहर निकल रही हैं या उसके अंदर जा रही हैं, तो हम यहां पर बोलेंगे कि कुछ ना कुछ फ्लक्स इस एरिया से क्रिएट हो रहा है या फ्लक्स इस एरिया से एसोसिएट हो रहा है, ठीक है ना बच्चों। तो फ्लक्स एसोसिएटेड विथ पर्टिकुलर एरिया, ये हमें फाइंड करना है। तो हम ऐसे इमेजिन करेंगे कि ये मेरे पास एक पर्टिकुलर एरिया है, राइट। अब इस एरिया से परपेंडिकुलर कुछ इलेक्ट्रिक लाइंस ऑफ फोर्स, जिसको हम क्या बोलते हैं, फील्ड लाइंस बोलते हैं, ये फील्ड लाइंस इस सरफेस के परपेंडिकुलर बाहर की तरफ निकल रही हैं, अंदर की तरफ भी जा सकती हैं, कोई दिक्कत नहीं, ठीक है। तो बस इस प्लेन के परपेंडिकुलर लाइंस होनी चाहिए। तो ये जो फील्ड लाइंस होती हैं, ये फील्ड लाइंस क्या शो करती हैं, आपको पता है कि ये इलेक्ट्रिक फील्ड को रिप्रेजेंट करती है, राइट। तो इलेक्ट्रिक फील्ड को रिप्रेजेंट करने के लिए हमें कुछ लाइंस इमेजिन करनी पड़ती हैं, और उन लाइंस को हम क्या बोलते हैं, फील्ड लाइंस बोलते हैं। यही फील्ड लाइंस इस यूनिट एरिया के परपेंडिकुलर पास हो रही हैं, यही फील्ड लाइंस इस यूनिट एरिया के परपेंडिकुलर निकल रही हैं। तो जितनी लाइन यूनिट एरिया से परपेंडिकुलर बाहर निकलेंगी या उसके अंदर जाएंगी, उसको बोला जाएगा बच्चों फ्लक्स एसोसिएटेड दिस एरिया, ठीक है ना बच्चों। तो ये तो एक समझने वाली बात हो गई। अब ये एरिया जो होता है, एरिया खुद अपने आप में एक वेक्टर क्वांटिटी होता है। जब एरिया अपने आप में वेक्टर क्वांटिटी है तो उस एरिया की डायरेक्शन होगी, और आप कई बार समझ चुके हैं एरिया की डायरेक्शन क्या होती है, ये जो एरिया है इसके परपेंडिकुलर एंड आउटवर्ड, ये हो गया डीएस वेक्टर। डीएस वेक्टर मतलब ये जो एरिया है उसकी डायरेक्शन डीएस, ठीक है। इस एरिया का यूनिट वेक्टर ये रहा, इस एरिया के परपेंडिकुलर एंड आउटवर्ड। आउटवर्ड का मतलब जैसे सपोज यहां से आप देख रहे हो, यहां से देख रहे हो ये सिंपल सा तरीका होता है वेक्टर में हम निकालते थे। अब अगर आप ध्यान से देखो ये इलेक्ट्रिक फील्ड, बच्चों ये
इलेक्ट्रिक फील्ड और एरिया का नॉर्मल या एरिया की डायरेक्शन, ये दोनों सेम डायरेक्शन में यहां पर आई है। इसका मतलब डीएस और ई के बीच में एंगल कितना बन रहा है, जीरो बन रहा है। ठीक है, तो मैथमेटिकली फ्लक्स डिफाइन किया जाता है, इलेक्ट्रिक फ्लक्स डिफाइन किया जाता है, फाई ई से हम इलेक्ट्रिक फ्लक्स रिप्रेजेंट कर सकते हैं। तो इलेक्ट्रिक फ्लक्स मैथमेटिकली रिप्रेजेंट किया जाएगा, इट इज डॉट प्रोडक्ट ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड एंड एरिया डीएस। क्या होता है, इट इज डॉट प्रोडक्ट ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड एंड एरिया। आप इस डॉट को हटाएंगे तो आपको मालूम है ई डी एस कॉस थीटा आता है। क्या आता है, ई डी एस कॉस थीटा। अगर आप इस डॉट को हटा दें तो आ जाएगा ई डी एस कॉस थीटा। ठीक है ना बच्चों। चलिए, तो ये हमारे पास हुआ इलेक्ट्रिक फ्लक्स की डेफिनेशन। अब ये फॉर्मूला क्या रिप्रेजेंट कर रहा है फ्लक्स को, और थोड़ा सा फील करें। देखिए, अभी हमने यहां देखा कि इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस मतलब इलेक्ट्रिक फील्ड और एरिया वेक्टर डीएस दोनों सेम डायरेक्शन में है, मतलब फील्ड लाइंस इस सरफेस एरिया के परपेंडिकुलर हैं, तब फ्लक्स कितना होता है, एंगल कितना बनता है, जीरो। तो फ्लक्स कितना होगा, कॉस जीरो इज वन, तो मैक्सिमम फ्लक्स होगा। जैसे यहां मैं एक एक कंडीशन लिखूं, इफ थीटा इक्वल टू जीरो, थीटा किस किस के बीच में एंगल है, एंगल बिटवीन एरिया वेक्टर एंड इलेक्ट्रिक फील्ड, या कह सकते हैं एरिया बिटवीन इलेक्ट्रिक फील्ड एंड नॉर्मल टू एरिया। ठीक है, तो इफ थीटा इज जीरो तो उस केस में फ्लक्स बच्चों मैक्सिमम एसोसिएटेड होता है इस एरिया से, तो फाई मैक्सिमम होगा ई डी एस। ठीक है, क्योंकि कॉस जीरो इज वन। ओके, तो इसका डायग्राम क्या बनेगा, ये छोटा सा एरिया हो गया, इसकी डायरेक्शन ये हो गई डी एस ऊपर। ठीक है, और इलेक्ट्रिक फील्ड की डायरेक्शन भी यही है ई, तो ई और डी एस के बीच में एंगल जीरो, तो फ्लक्स मैक्सिमम होता है। सेकेंड कंडीशन देखो बच्चों, इफ थीटा इक्वल टू 90, तो कॉस 90 क्या होता है, जीरो, तो फ्लक्स भी जीरो हो जाएगा। तो ये मिनिमम फ्लक्स होगा जीरो, क्योंकि कॉस 90 जीरो, ई डी एस कॉस 90 जीरो। इसका फिजिकल इंटरप्रिटेशन क्या है, जैसे ये हमारे पास एरिया है, इसकी डायरेक्शन डी एस ऊपर हुई, और इलेक्ट्रिक फील्ड इसके परपेंडिकुलर, डी एस के परपेंडिकुलर इधर ई, मतलब इलेक्ट्रिक फील्ड या इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस इस प्लेन के तो पैरेलल हैं, लेकिन प्लेन के नॉर्मल के परपेंडिकुलर हैं। ठीक है ना बच्चों, तो ये जो सरफेस एरिया है उसके पैरेलल हैं। तो जब सरफेस एरिया के पैरेलल होंगी तो उस केस में एक भी लाइन इस सरफेस को क्रॉस करते हुए अंदर नहीं जाएगी। ठीक है, इसका मतलब इस सरफेस से एसोसिएटेड फ्लक्स कैसा हुआ, जीरो, तो वो मिनिमम हुआ। ठीक है ना बच्चों, तो ध्यान रखिए, इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस अगर सरफेस एरिया के पैरेलल हो तो उस केस में वो उसके नॉर्मल के साथ, एरिया के नॉर्मल के साथ 90 डिग्री एंगल बनाती हैं, और खुद प्लेन के साथ जीरो बनाती हैं। तो प्लेन के साथ वाला एंगल नहीं चाहिए होता है, हमें कौन सा एंगल चाहिए होता है, नॉर्मल से, एरिया का जो नॉर्मल है वो कितना इलेक्ट्रिक फील्ड से एंगल बना रहा है, तो वो 90 बना रहा है, इसलिए जीरो हुआ। थर्ड देखो बच्चों, इफ थीटा इक्वल टू 180 डिग्री, तो उस केस में जो फ्लक्स आएगा अभी भी मैक्सिमम ही आएगा, लेकिन अब जो फ्लक्स होगा बच्चों, वो देखो कॉस 180 की वैल्यू माइनस होती है, माइनस वन, तो माइनस ई डी एस। माइनस का मतलब कम होना नहीं है यहां पर, इस माइनस का मतलब है कि इलेक्ट्रिक फील्ड ने डायरेक्शन चेंज कर ली, मतलब जो फ्लक्स है वो अपोजिट है। अपोजिट का मतलब क्या है, कि जो लाइन है, पहले लाइन जैसे ये प्लस ईडीएक्स आ रहा है या ईडीएस आ रहा है प्लस, तो प्लस का मतलब इस सरफेस से बाहर लाइन निकल रही है, जिधर आप देख रहे हो ना, जिधर से उसी तरफ लाइंस बाहर आ रही हैं। ठीक है, तो इसको बोलते हैं आउटवर्ड फ्लक्स, आउटवर्ड, आउटवर्ड फ्लक्स। माइनस ईडीएस होगा तो देखो ये सरफेस एरिया हो गया डीएस, ठीक है,
और इलेक्ट्रिक फील्ड डाउनवर्ड हुई, इसको क्रॉस करती हुई अंदर जा रही है ई, तो एंगल बना 180, तभी तो माइनस आया। अब इधर से ऊपर से देख रहे हो आप इसको, ऊपर से देखोगे तो लाइंस क्या होंगी, इस सरफेस एरिया से अंदर जाती हुई दिखेंगे, अंदर जाती हुई दिखेंगे, तो इसको बोलेंगे हम इनवर्ड फ्लक्स, ठीक है ना। तो आउटवर्ड फ्लक्स प्लस होता है ईडीएक्स और इनवर्ड फ्लक्स माइनस ईडीएस होता है, क्लियर बात। तो ये थोड़ा सा फ्लक्स का मैंने कॉन्सेप्ट बताया। अब जरा देखो फ्लक्स इक्वल टू हुआ बच्चों ईडीएस। अब जरा यूनिट देखें, यहां लिख लेते हैं एसआई यूनिट ऑफ फ्लक्स, एसआई यूनिट ऑफ इलेक्ट्रिक फ्लक्स, इलेक्ट्रिक फ्लक्स। देखो फाई इक्वल टू क्या है, ईडीएस कॉस थीटा, ई इलेक्ट्रिक फील्ड है, इलेक्ट्रिक फील्ड की यूनिट होती है न्यूटन पर कूलाम, डीएस क्या है एरिया, एरिया की होती है बच्चों मीटर स्क्वायर, ठीक है। कॉस थीटा, कॉस थीटा की क्या होती है एंगल है, कॉस थीटा तो रेशो होता है, उसकी कोई यूनिट नहीं होती, तो यही रह गया न्यूटन पर कूलाम मीटर स्क्वायर। अब आ जाओ, एक तो ये हो गया। अच्छा एक यूनिट और जानते हो आप इलेक्ट्रिक फील्ड की, वोल्ट पर मीटर, तो इसको लिख सकते हैं वोल्ट पर मीटर इंटू मीटर स्क्वायर, एक मीटर कट गया तो कितना आया वोल्ट इंटू मीटर, तो वोल्ट मीटर भी ऐसा यूनिट हो जाएगी इलेक्ट्रिक फ्लक्स की, ठीक है ना बच्चों। तो वोल्ट मीटर भी हो सकती है या न्यूटन मीटर स्क्वायर पर कूलाम भी हो सकती है, तो ये आप लिख सकते हैं। थोड़ा सा आप चाहें तो यहां पर इलेक्ट्रिक फ्लक्स की डेफिनेशन लिख सकते हैं, ठीक है। तो क्या डेफिनेशन हो जाएगी इलेक्ट्रिक फ्लक्स, किस तरह से डिफाइन करते हैं, तो कह सकते हैं इलेक्ट्रिक फ्लक्स, इलेक्ट्रिक लिख भी चलो आप, इलेक्ट्रिक फ्लक्स इज द डॉट प्रोडक्ट ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड एंड एरिया, ठीक है, इलेक्ट्रिक फील्ड और एरिया का डॉट प्रोडक्ट होता है। तो फटाफट कॉपी करिए इतना, फिर हम आगे और देखते हैं इसको, लिखो जल्दी से। चलिए मिटा दें बच्चों, ओके। इसको आप लिखते चलना क्योंकि इसका स्क्रीनशॉट नहीं मिल पाएगा। देखिए अब हम बात करें, अभी हमने जैसे देखा इलेक्ट्रिक फ्लक्स होता क्या है, ठीक है, तो उसको निकालने के या उसको समझने के दो तरीके अभी देखे हमने। एक तो एक यूनिट एरिया से कितनी लाइंस पास हो रही हैं परपेंडिकुलर, उन लाइंस को हम क्या करें काउंट कर लें, तो क्या मिल जाएगा वो हमें इलेक्ट्रिक फ्लक्स दे देगा। लेकिन ऐसा करना क्या समझते हो आप, प्रैक्टिकली पॉसिबल है, नहीं है, ठीक है, क्योंकि आप लाइन ही खुद इमेजनरी होती है, उनको कैसे काउंट करोगे परपेंडिकुलर आ रही है, तो ये प्रैक्टिकल तरीका नहीं हुआ। दूसरा तरीका है, अगर आप फ्लक्स फाइंड करना चाहते हैं किसी सरफेस से, तो आपको सरफेस का एरिया, उसका मैग्नीट्यूड पता होना चाहिए कितना एरिया है, उसकी डायरेक्शन पता होनी चाहिए, ठीक है, और इलेक्ट्रिक फील्ड या फील्ड लाइंस उस एरिया के नॉर्मल से कितना एंगल बना रही हैं वो पता होना चाहिए, तब फिर आप फ्लक्स फाइंड कर सकते हो फाई इक्वल टू ईडीएस कॉस थीटा, ठीक है। तो यहां पर जो मैंने फाई इक्वल टू आपको दिया है ई डी एस कॉस थीटा, ये बच्चों डीएस वेरी वेरी स्मॉल सरफेस एरिया होता है, इसलिए फ्लक्स भी वेरी स्मॉल आएगा डी फाई, ठीक है। अगर एरिया छोटा है तो उसमें लाइंस ऑफ फोर्स बाहर निकलेंगी वो बहुत कम निकलेंगी,
अच्छा, अगर मैं बहुत ज्यादा फ्लक्स की बात करूं, ज्यादा फ्लक्स का मतलब जो डीएस एरिया है वो एक बड़ा सा सरफेस एरिया है, छोटा सा एरिया नहीं है, बड़ा सा एरिया है, तो उसको इंटीग्रेट करना पड़ेगा। तो टोटल फ्लक्स जब फाइंड करेंगे तो डी फाई को हम फिर फाई लिख सकते हैं, और इंटीग्रल ई डीएस कॉस थीटा ये ले सकते हैं, ठीक है ना बच्चों। और जब हम क्लोज्ड सरफेस की बात करते हैं, क्लोज सरफेस का मतलब हुआ जैसे एक स्फेयर है, तो स्फेयर हर तरफ से क्लोज्ड है, राइट, तो फिर उसको क्लोज इंटीग्रल करना पड़ता है। तो यहां एक सर्कल चिपका देना ऐसे, तो ये क्लोज सरफेस के कलेक्शन को या इंटीग्रेशन को शो करता है, ठीक है ना बच्चों। तो ये और यहां पर नोट लिख लीजिएगा। चलो अब इसके बाद फटाफट कॉपी करो इसको, इसको मिटा देता हूं। अब बच्चों इसके बाद आप ध्यान से सुनो, एक और तरीका आया इलेक्ट्रिक फ्लक्स फाइंड करने के लिए, वो तरीका है बच्चों गॉस थ्योरम। गॉस ये कहते हैं कि अगर आप इलेक्ट्रिक फ्लक्स फाइंड करना चाहते हो तो आपको या तो इलेक्ट्रिक फील्ड चाहिए, और वो इलेक्ट्रिक फील्ड किसी ना किसी चार्ज से प्रोड्यूस हुई होगी, तो वो चार्ज चाहिए। अगर आपके पास चार्ज अवेलेबल है जो कि इलेक्ट्रिक फील्ड क्रिएट कर रहा है, तो केवल चार्ज की वैल्यू से ही हम ये बता सकते हैं कि ये चार्ज अपने चारों तरफ ऑल अराउंड कितना फ्लक्स या कितनी फील्ड प्रोड्यूस कर रहा है, कितनी फील्ड प्रोड्यूस कर रहा है वो तो आपको मालूम है। एक आर डिस्टेंस पर किसी पॉइंट चार्ज के कारण कितनी फील्ड बनती है वो आपको मालूम है। फाइ वो ई इक्वल टू क्या बताई थी, 1/4πε0Q/r2। यही जो फील्ड नहीं थी, अगर ये किसी सरफेस एरिया से बाहर रही हो, तो सरफेस एरिया से लिंक्ड फ्लक्स कितना हो जाएगा, या सरफेस एरिया से एसोसिएटेड फ्लक्स कितना हो जाएगा। फ्लक्स मतलब लाइंस, नंबर ऑफ लाइंस कितनी हैं, कितनी लाइंस एसोसिएटेड होंगी इस सरफेस एरिया से, वो फाइंड करना है। तो गॉस ने एक सिंपल सा तरीका बताया जिसको हम गॉस थ्योरम के नाम से जानते हैं, गॉस थ्योरम यह है बच्चों कि जैसे ये कोई एक क्लोज सरफेस बना लू किसी भी शेप का, ठीक है, हर तरफ से क्लोज्ड है, इसके अंदर बहुत सारे चार्जेस हैं Q1, Q2, Q3, Q4 एंड सो ऑन। इनमें से कुछ प्लस हैं, कुछ माइनस हैं, कुछ प्लस हैं, कुछ माइनस हैं, कोई दिक्कत नहीं। तो गॉस ये कहते हैं कि ये जो क्लोज सरफेस बनी है, इस क्लोज सरफेस से एसोसिएटेड फ्लक्स, इस क्लोज सरफेस से निकली जो लाइंस होंगी उन्हीं को तो फ्लक्स कहते हैं। तो वो फ्लक्स कितना होगा, वेरी वेरी सिंपल तरीका, वो कहते हैं इसके अंदर जितना चार्ज है वो काउंट कर लो, इकट्ठा कर लो, टोटल चार्ज ले लो, एल्जेब्रिक सम ले लो सबका, तो वो हुआ टोटल चार्ज प्रेजेंट इनसाइड दिस गॉसियन सरफेस, क्यू इन मान लेते हैं। टोटल चार्ज कितना है, क्यू इन मतलब इस सरफेस के अंदर जितना चार्ज है सबको इकट्ठा कर लिया, टोटल चार्ज ले लिया, बस इस चार्ज का 1/ε टाइम्स होगा फ्लक्स एसोसिएटेड विद दिस कर्व्ड सरफेस और विद दिस गॉसियन सरफेस और विद दिस क्लोज्ड सरफेस। क्लोज्ड सरफेस गॉस ने सजेस्ट की थी, इसलिए इसको गॉसियन सरफेस भी बोलते हैं, ठीक है ना बच्चों। तो कितना आसान तरीका बताया, आपको क्या चाहिए, केवल एक क्लोज सरफेस चाहिए, उसके अंदर कितने चार्जेस हैं वो चाहिए, उन चार्जेस का सम कर लो, एल्जेब्रिक सम, और उसमें एप्सिलॉन जीरो से डिवाइड कर दो, तो यही फ्लक्स हो जाएगा इस सरफेस से एसोसिएटेड, ठीक है ना बच्चों। तो इसका स्टेटमेंट लिख लेते हैं, गॉस थ्योरम का स्टेटमेंट क्या है, इलेक्ट्रिक फ्लक्स एसोसिएटेड विद क्लोज्ड सरफेस इज
वन अपॉन एप्सिलॉन जीरो टाइम्स, वन अपॉन एप्सिलॉन जीरो टाइम्स ऑफ टोटल चार्ज, टोटल चार्ज प्रेजेंट इनसाइड दिस क्लोज्ड सरफेस, क्लोज्ड सरफेस, इसको हम गॉसियन सरफेस भी कह सकते हैं, गॉसियन सरफेस, ठीक है। इस क्लोज सरफेस या गॉसियन सरफेस के अंदर जितना चार्ज होगा उसका वन अपॉन एप्सिलॉन जीरो टाइम्स होता है टोटल फ्लक्स, ठीक है। चलिए बच्चों इसको प्रूफ करें, ये प्रूफ करने के लिए भी एग्जाम में आता है। ओके चलो प्रूफ करते हैं बच्चों। प्रूफ करने के लिए हम एक तो किसी भी सरफेस के लिए प्रूफ कर सकते हैं और एक सिंपल तरीका है कि स्फेरिकल सरफेस के लिए हम प्रूफ कर सकते हैं। तो सबसे पहले स्फेरिकल सरफेस की बात करें, गॉस दो तीन बातें और सजेस्ट करते हैं, उसको भी आप सुन लीजिए। गॉस कहते हैं कि ये जो आप देख रहे हैं क्लोज सरफेस, अगर आप ये थ्योरम लगाना चाहते हो तो ये जो क्लोज सरफेस है वो चार्ज का डिस्ट्रीब्यूशन जिस जैसा है उस जैसी ही सरफेस होनी चाहिए। मतलब चार्ज के डिस्ट्रीब्यूशन के सिमेट्रिक ये गॉसियन सरफेस होनी चाहिए। अब इस चार्ज के डिस्ट्रीब्यूशन का मतलब क्या है? चार्ज के डिस्ट्रीब्यूशन का मतलब है कि अगर चार्ज पॉइंट चार्ज है तो पॉइंट चार्ज क्या होगा, एक स्फीयर होता है, पॉइंट तो छोटा सा, इसके चारों तरफ जो गॉसियन सरफेस बनाएंगे आप, इसके चारों तरफ आप जो क्लोज सरफेस बनाएंगे वो स्फेयर ही बनाएंगे। मान लो चार्ज का डिस्ट्रीब्यूशन लाइन टाइप का है, देखना जैसे ये छोटा सा एक पॉइंट चार्ज ले लिया, तो गॉस कहते हैं आप इसको कवर करने के लिए स्फेयर बनाओ, सिमिट्री है, चार्ज का डिस्ट्रीब्यूशन जैसा है वैसा ही गॉसियन सरफेस है, उसके अंदर ये भरा हुआ है चार्ज क्यू। वो कहते हैं अगर ध्यान देना चार्ज ऐसा है किसी लाइन पर डिस्ट्रीब्यूटेड है तो लाइन डिस्ट्रीब्यूशन, इसका मतलब क्या है, सिलेंडर लाइन होती है सिलेंडर, तो आपको इसको घेरने के लिए कवर करने के लिए भी एक सिलेंडर ही बनाना चाहिए। तो गॉस कहते हैं कोई चार्ज है तो सबसे पहले चार्ज का डिस्ट्रीब्यूशन देख लो आप, चार्ज का डिस्ट्रीब्यूशन किस नेचर का है, वो पॉइंट साइज का है तो स्फेयर बना लीजिए उसको कवर करने के लिए, लाइन चार्ज है तो सिलेंडर बना लीजिए, ठीक है ना, कोई क्यूब है तो क्यूब को भी उसको कवर करेंगे आगे, तो सिमेट्री इसमें बहुत जरूरी है, ठीक है ना बच्चों। चलिए तो हम स्टार्ट करते हैं इसका प्रूफ। देखिए आप यहां पर एक चार्ज है प्लस का कैपिटल क्यू और इसको मैंने कवर कर दिया एक क्लोज सरफेस से। क्लोज सरफेस कौन सी होगी बच्चों? स्फेयर। स्फेयर क्यों लिया? क्योंकि पॉइंट चार्ज है, पॉइंट छोटा सा स्फेयर होता है, तो हमें भी इसको घेरने के लिए जो गॉसियन सरफेस लानी पड़ेगी, गॉसियन सरफेस एक इमेजनरी सरफेस होती है, उस इमेजनरी सरफेस से निकलने वाला फ्लक्स ही हमें निकालना होता है, तो हमने स्फेयर अज्यूम किया। अब हम क्या करें, यहां इस स्फीयर पर एक छोटा सा सरफेस एरिया बनाए, छोटा सा एरिया ये बना लिया, छोटा सा एरिया। अब ये छोटा सा एरिया है तो ds होगा, ds है तो इसकी डायरेक्शन होगी, डायरेक्शन क्या होगी, ये होगी इसकी डायरेक्शन ds वेक्टर। इस प्लस q के कारण इस जगह पर इस सरफेस पर इलेक्ट्रिक फील्ड कितनी होगी, r डिस्टेंस पर है, रेडियस r है, और कौन सी डायरेक्शन में होगी, प्लस का q चार्ज है तो यहां पर ऊपर की डायरेक्शन में ही इलेक्ट्रिक फील्ड होगी, क्योंकि इलेक्ट्रिक फील्ड इज अवे फ्रॉम पॉजिटिव चार्ज, यही होती है। अच्छा ये ई डी एस के बीच में एंगल क्या हो गया बच्चों? जीरो हो गया, ठीक है। तो अगर मैं इस छोटे से सरफेस के लिए इलेक्ट्रिक फ्लक्स फाइंड करूं तो वो इलेक्ट्रिक फ्लक्स आएगा, छोटा सा फ्लक्स आएगा डी फाई, कितना आएगा, ई डी एस एंड कॉस थीटा, यही आएगा। ओके अब हम एक काम करें,
ई डी एस, थीटा कितना है जीरो, तो ये हो गया बच्चों कॉस जीरो, कॉस जीरो इज वन, तो ये हो गया हमारे पास ई डी एस, ठीक है ये हो जाएगा। इसको इंटीग्रेट कर दो आप, क्योंकि मैं तो इस पूरे सर्फ पूरे के पूरे जो स्फेयर है इससे एसोसिएटेड फ्लक्स चाहता हूं, ये पूरा का पूरा जो स्फेयर है इससे निकलने वाला फ्लक्स चाहता हूं, ये छोटे से एरिया के कारण फ्लक्स नहीं चाहिए, लेकिन इसकी मदद से हम निकाल पाएंगे, इसकी हेल्प से हम निकाल पाएंगे पूरे एरिया का फ्लक्स। तो पूरा का पूरा सरफेस एरिया का फ्लक्स चाहिए, तो डी फाई इसका इंटीग्रेट करो, इंटीग्रेशन करो, डी फाई का क्या हो गया फाई टोटल फ्लक्स, इधर इंटीग्रल ई डी एस, ठीक है। क्लोज सरफेस है तो यहां ये क्लोज लगा दिया, सर्कल बना दिया। चलो अब आ जाओ इधर, ये क्या है इलेक्ट्रिक फील्ड, इलेक्ट्रिक फील्ड क्या होगी बच्चों, इस प्लस क्यू के कारण यहां इलेक्ट्रिक फील्ड, तो वो होगी आपको मालूम है इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू पॉइंट चार्ज वन अपॉन फोर पाई एप्सिलॉन जीरो क्यू बाय आर स्क्वायर, ठीक है रख दें यहां। तो देखो फ्लक्स इक्वल टू, हमने ई की वैल्यू ये रख दी वन अपॉन फोर पाई एप्सिलॉन जीरो क्यू बाई आर स्क्वायर इंटू ये इंटीग्रल डी एस, इंटीग्रल डी एस, इंटीग्रल डी एस, ठीक है। अब इंटीग्रल डी एस क्या होगा बोलो, डी एस मतलब एक छोटा सा एरिया, इंटीग्रल डी एस मतलब ये पूरा एरिया, किसका पूरा एरिया, पूरे स्फेयर का एरिया, और पूरे स्फेयर का सरफेस एरिया क्या होता है इंटीग्रल मतलब पूरा एरिया सबका कलेक्शन, तो इंटीग्रल डी एस क्या होगा पूरा एरिया सरफेस का, स्फेयर है ना तो 4 पाई आर स्क्वायर, तो ये हो जाएगा वन अपॉन फोर पाई एप्सिलॉन नॉट क्यू बाई आर स्क्वायर इंटू फोर पाई आर स्क्वायर, ठीक है सिंपल है ना। तो क्या कैंसिल हो रहा है, फोर पाई आर स्क्वायर से फोर पाई आर स्क्वायर कैंसिल, तो फाई इक्वल टू क्या आया, ये आया क्यू डिवाइड बाय एप्सिलॉन नॉट, तो फाई इक्वल टू आया हमारे पास क्यू अपॉन एप्सिलॉन नॉट, ठीक है ना बच्चों। तो देखो प्रूफ हो गया कि नहीं, फाई इक्वल टू क्यू अपॉन एप्सिलॉन नॉट था, यहां भी वही आ गया फाई इक्वल टू क्यू अपॉन एप्सिलॉन नॉट। तो ये स्फेयर के केस में हमने बड़ी आसानी से सॉल्व किया है, किसी भी सरफेस के लिए किया जा सकता है वो अपन आगे देखेंगे, ठीक है नोट करो जल्दी से क्योंकि इसका स्क्रीनशॉट नहीं मिल पाएगा। दो ही तरीके हैं इसको कॉपी करने के, या तो आप अभी कॉपी कर लें, समय दे देता हूं आपको, ठीक है, या फिर आप बार बार इसको रिप्ले करके और इतना रोक करके आप कॉपी करें क्लास के बाद में, ठीक है। तो चलिए समय दे देता हूं, फटाफट कॉपी कर लो, एक दो मिनट का टाइम दे रहा हूं, करो जल्दी। चलो लिख लिया बच्चों, अब जरा ध्यान से सुनो, और हम इलेक्ट्रिक फ्लक्स की बात चल रही थी, इलेक्ट्रिक फ्लक्स की बात कर रहे थे, गॉस थ्योरम पढ़ ली है हमने, तो गॉस थ्योरम के रिगार्डिंग कुछ पॉइंट समझते हैं, ठीक है। पॉइंट नंबर वन ध्यान देना, और वो फॉर्मूला जो गॉस थ्योरम का स्टेटमेंट का है उसको याद रखो, फाई इक्वल टू क्या है क्यू अपॉन एप्सिलॉन जीरो। पहला पॉइंट यह है बच्चों, जैसे ये कोई मेरे पास किसी भी शेप का एक गॉसियन सरफेस है, ठीक है क्लोज्ड होना चाहिए बस, और इस गॉसियन सरफेस के अंदर बहुत सारे चार्ज रखे हुए हैं क्यू वन क्यू टू क्यू थ्री क्यू फोर एंड सो ऑन, बहुत सारे, कुछ नेगेटिव हैं कुछ पॉजिटिव हैं, तो अगर इन सब का नेट चार्ज, इफ नेट चार्ज Q इनसाइड ये अगर नेगेटिव है, ठीक है सबका सम कर लिया नेगेटिव है, तो इसका मतलब फ्लक्स जो होगा वो इनवर्ड होगा अंदर की तरफ, राइट फ्लक्स मतलब नंबर ऑफ लाइंस अंदर की तरफ जाएंगी, यानी फ्लक्स कैसा होगा बच्चों इनवर्ड होगा। क्यों इनवर्ड होगा, क्योंकि फ्लक्स खुद नेगेटिव आएगा, और नेगेटिव फ्लक्स का मतलब क्या है इनवर्ड। यही हम देखें, अगर टोटल चार्ज, ये पहला हो गया,
इफ टोटल चार्ज इनसाइड दिस गॉसियन सरफेस पॉजिटिव है तो फ्लक्स भी कैसा होगा? आउटवर्ड होगा, आउटवर्ड। फ्लक्स कैसा होगा? आउटवर्ड, ठीक है, फिर बाहर निकलेगा। थर्ड, इफ टोटल चार्ज इनसाइड दिस गॉसियन सरफेस जीरो है तो फ्लक्स भी क्या होगा? जीरो। मतलब अगर एक से ज्यादा चार्ज अवेलेबल हैं और सम जीरो है तो इसका मतलब कुछ लाइंस बाहर निकल रही हैं, जितनी लाइंस बाहर निकल रही उतनी अंदर भी जा रही है, इसलिए नेट फ्लक्स जीरो हो गया। ठीक है, जैसे एक एग्जांपल देता हूं आपको, ये किसी भी सरफेस में ऐसा सरफेस बना लिया और इसके अंदर एक डाइपोल रख दिया माइनस क्यू और ये प्लस क्यू, तो डाइपोल में क्या होता है? जितना पॉजिटिव चार्ज होता है उतना ही निगेटिव, तो नेट चार्ज क्या हो गया इसके अंदर? जीरो। तो नेट चार्ज जीरो है इसलिए फ्लक्स भी क्या होगा? जीरो होगा। तो इसका मतलब है जितनी लाइंस यानी इस माइनस क्यू के कारण अंदर जा रही हैं, इस प्लस क्यू के कारण उतनी ही लाइन बाहर भी निकल रही हैं। मतलब जितनी फ्लक्स इनवर्ड है ठीक उतना ही फ्लक्स आउटवर्ड भी है, और फ्लक्स स्केलर है इसलिए एल्जेब्रिकली ऐड होगा माइनस फाई प्लस फाई इक्वल टू जीरो। ठीक है, इसलिए नेट फ्लक्स क्या हो गया? जीरो। अच्छा, ये तो एक सिंगल डाइपोल रखा, इसके अंदर और भी बहुत सारे डाइपोल रखे जा सकते थे, माइनस क्यू प्लस क्यू, माइनस क्यू प्लस क्यू, तो मतलब एन नंबर ऑफ डाइपोल रखे हैं, एन नंबर ऑफ डाइपोल अगर किसी गॉसियन सरफेस के अंदर प्रेजेंट हैं, तब भी जितने नेगेटिव होंगे उतने ही पॉजिटिव भी होंगे, इसलिए नेट फ्लक्स इसमें भी क्या होगा बच्चों? जीरो। ठीक है ना बच्चों, आगे आप पढ़ेंगे, जरूरी नहीं है कि ये डाइपोल ही हो, आगे अगला चैप्टर आएगा कैपेसिटर का, तो कैपेसिटर में दो प्लेट होती हैं, एक पर माइनस क्यू चार्ज होता है, एक पर प्लस क्यू चार्ज होता है, तो अगर एक से ज्यादा कैपेसिटर्स इसके अंदर रख दिए, नेट चार्ज पूरे कैपेसिटर पर जीरो होता है, तो अगर बहुत सारे कैपेसिटर्स इसके अंदर रख दिए या एक सिंगल कैपेसिटर रख दिया, तब भी नेट चार्ज जीरो होने के कारण फ्लक्स कैसा होगा? जीरो होगा। तो ये पहला पॉइंट हमने डिस्कस किया बच्चों, ऐसे धीरे धीरे कुछ पॉइंट्स डिस्कस करेंगे। एक सेकंड पॉइंट डिस्कस करते हैं, ध्यान सुनो, मेरे पास एक हेमी स्फीयर है, हेमी स्फीयर के यहां सेंटर पर ऊपर इसके माउथ पर एक क्यू चार्ज पॉजिटिव रख दिया। ठीक है, क्वेश्चन है फाइंड इलेक्ट्रिक फ्लक्स एसोसिएटेड विद दिस कर्व्ड सरफेस ऑफ हेमीस्फीयर। ये नीचे वाली जो कर्व्ड सरफेस बन रही है, ये वाली, इस सरफेस से निकलने वाला फ्लक्स कितना है ये बताना है। ठीक है, ये सेंटर पर रख दिया है, तो अब क्या करेंगे? गॉस थ्योरम की हेल्प लेंगे। गॉस क्या कहती है? गॉस ये कहते हैं कि जितना यहां पर, जैसी यहां सिमिट्री नीचे है, ठीक है, वैसी सिमिट्री से ऊपर भी इसको कवर कर दो। नीचे हेमी स्फीयर है तो इस चार्ज को हेमी स्फीयर से ऊपर से कवर कर दो, वो इमेजिन कर लो। तो हम क्या करेंगे, इसको ऐसे एक और हेमी स्फीयर ऊपर चिपका दिया और इमेजिन कर लिया ये वाला कि एक ऊपर हेमी स्फीयर एक नीचे था ही, बीच में चार्ज आ गया सेंटर पर। तो इस बड़ा सा जो स्फीयर है ये बन गया एक बड़ा सा इमेजिनरी हेमी, इमेजिनरी स्फीयर। इस इमेजिनरी स्फीयर से, बड़े से स्फीयर से के सेंटर पर चार्ज आ गया, इस बड़े से स्फीयर के अंदर चार्ज आ गया। ठीक है, जब इस बड़े से स्फीयर के अंदर चार्ज आ गया तो गॉस कहती है कि, गॉस कहते हैं कि अगर यहां पर कहीं क्या दिया हुआ है, कोई सरफेस है और उसके अंदर चार्ज है, तो फ्लक्स क्या होता है? क्यू अपॉन एप्सिलॉन जीरो। तो इस बड़े से स्फीयर से निकलने वाला फ्लक्स होगा क्यू अपॉन एप्सिलॉन जीरो, क्योंकि इस बड़े से स्फीयर के अंदर केवल पॉजिटिव चार्ज ही है। लेकिन क्या ये आंसर है हमारा? नहीं, ये तो इस पूरे का टोटल फ्लक्स है, यानी चार्ज, एक पॉइंट चार्ज क्यू कितना फ्लक्स ऑल अराउंड निकाल सकता है, कितनी लाइन निकाल सकता है, तो वो निकाल सकता है क्यू अपॉन एप्सिलॉन जीरो। ऐसे मानो एक बल्ब है, बल्ब कहीं पर जल रहा है, जैसे ही स्विच ऑन किया, बल्ब को जलाया, तो उससे निकलने वाली जो लाइन्स होंगी, वो लाइट रेज होंगी, तो वो नंबर ऑफ लाइट रेज कितनी है? क्यू अपॉन एप्सिलॉन जीरो है। वो नंबर ऑफ लाइट रेज इससे कितनी निकलेंगी? तो ऑब्वियसली जितनी टोटल निकल रही है उतनी की आधी इससे एसोसिएटेड होंगी,
तो वही तरीका इसमें है कि इससे निकलने वाला फ्लक्स अगर देखेंगे हेमिस्फेयर से, तो फिर ये फ्लक्स होगा बच्चों क्यू अपॉन टू एप्सिलॉन नॉट। ये आंसर नहीं है हमारा, ये आंसर होगा। क्लियर? ठीक है, एक और देखें, उससे एक बात क्लियर होगी। एक ये हमारे पास एक सिलेंडर है और सिलेंडर के माउथ पर यहां सेंटर पर एक चार्ज रख दिया, जैसे यहां रखा था। अब आपसे पूछा जाए कि इस सिलेंडर से एसोसिएटेड फ्लक्स कितना है। वैसे ही नीचे सिलेंडर है तो इस चार्ज क्यू को कवर करने के लिए सिमेट्री से ऊपर भी एक क्या होना चाहिए, सिलेंडर ही होना चाहिए। तो एक हमने गॉसियन सरफेस बनाई है, तो ये पूरा एक गॉसियन सरफेस बन गया सिलेंडर। ये जो बड़ा सा सिलेंडर इमेजिन हुआ, इसके सेंटर पर चार्ज यहां कहीं रखा हुआ है, मतलब इसके अंदर चार्ज रखा हुआ है, तो इस पूरे सरफेस से निकलने वाला फ्लक्स क्या होगा, वो तो होगा क्यू अपॉन एप्सिलॉन नॉट। वो बदलता नहीं है क्योंकि चार्ज क्यू है, फ्लक्स क्यू अपॉन एप्सिलॉन नॉट होगा। उसको चाहे कवर करो किसी से या ना करो, वो तो अपना फ्लक्स निकाल रहा है। लेकिन अगर हमने किसी सरफेस से कवर कर दिया है तो फिर वो फ्लक्स उस सरफेस से एसोसिएटेड हो जाएगा। ठीक है, जैसे एक बल्ब है, उसको खुले मैदान में जलाओ तो अपनी जितनी रोशनी, जितनी लाइट रेज निकाल रहा है, वो उसका टोटल फ्लक्स है। लेकिन वही बल्ब अगर आप किसी कमरे के अंदर जलाओ, ठीक है, स्विच ऑन करो कमरे के अंदर, तो कमरे की जो सरफेसेस हैं, ठीक है, वॉल्स हैं, उनसे एसोसिएटेड जो लाइंस रेज निकल रेज पहुंच रही हैं सभी दीवारों पर, लाइट रेज पहुंच रही हैं, तो लाइट रेज सारी की सारी अब उस कमरे के सरफेस से एसोसिएटेड हो जाएंगी। समझ रहे हैं? तो ऐसे ही इसमें है कि क्यू चार्ज है, अगर इसको हम किसी गॉसियन सरफेस से घेरें या ना घेरें, वो तो क्यू अपॉन एप्सिलॉन नॉट अपनी लाइन निकाल रहा है। लेकिन अगर हमने इस बड़े से इमेजिनरी सिलेंडर से घेर दिया, तो वही क्यू अपॉन एप्सिलॉन नॉट इस पूरे सरफेस से एसोसिएटेड हो जाएगा। लेकिन हमें पूरे का नहीं चाहिए, हमें तो जो रियल सिलेंडर नीचे था उससे एसोसिएटेड फ्लक्स चाहिए। तो टोटल है क्यू अपॉन एप्सिलॉन नॉट, और ये वाला जो सिलेंडर है ये बड़े से सिलेंडर का आधा पार्ट है, तो इसके हिस्से में तो आधा ही फ्लक्स आएगा, तो वो हो जाएगा यहां पर डैश मान लेते हैं फाइव डैश क्यू अपॉन टू एप्सिलॉन नॉट। ये आंसर नहीं होगा, ये आंसर होगा। ठीक है बच्चों, अब बच्चों इसके बाद क्या होगा कि मैं यहां पर कुछ क्यूब के क्वेश्चन करूंगा। क्यूब क्यूब मतलब जैसे कि ये यहां पर ऐसे क्यूब ले लिया और इस क्यूब के ठीक सेंटर पर कोई चार्ज रख दिया, तो इस पूरे क्यूब से कितना फ्लक्स निकलेगा आप बड़ी आसानी से बता पाओगे। यहां सेंटर पर मैंने चार्ज रख दिया है, तो ये जो चार्ज है वो इस क्यूब की सारी सिक्स सरफेसेस से घिरा हुआ है, तो इस सिक्स सरफेस से इकट्ठा कितना फ्लक्स निकलेगा, पूरे क्यूब से कितना फ्लक्स निकलेगा, आप कहेंगे क्यू अपॉन एप्सिलॉन नॉट। गॉस ने कहा इसलिए हमने कहा। लेकिन कोई पूछे कि एक फेस से कितना निकलेगा, मतलब एक फेस के हिस्से में कितना फ्लक्स आएगा, तो फ्लक्स एसोसिएटेड विद ईच फेस वो हम कैसे फाइंड करेंगे। कितनी सरफेस होती है, कितनी फेस होती है क्यूब की, सिक्स, तो पूरा फ्लक्स था क्यूब से निकलने वाला क्यू अपॉन एप्सिलॉन नॉट, क्योंकि क्यूब के अंदर क्यू चार्ज है, तो क्यूब नहीं निकाल रहा फ्लक्स, फ्लक्स निकाल रहा है चार्ज, तो वो क्यू अपॉन एप्सिलॉन नॉट, वो एसोसिएटेड हो गया है क्यूब से। ठीक है, लेकिन यह सोचो यही बल्ब जल रहा है, वो कितनी रोशनी निकाल रहा है क्यू अपॉन एप्सिलॉन नॉट। ये कमरे की दीवारें हैं, छह दीवारें हैं मान लो, तो छह दीवारों से कितना टोटल क्यू अपॉन एप्सिलॉन नॉट, एक दीवार के हिस्से में कितना क्यू अपॉन सिक्स एप्सिलॉन जीरो। ठीक है, अब बच्चों आगे क्वेश्चन कुछ क्यूब के ऐसे आएंगे कि इस चार्ज को मैं अगर यहां रख दूं तो इस क्यूब से कितना फ्लक्स निकलेगा और एक फेस से कितना निकलेगा। अगर मैं इस चार्ज को यहां रख दूं, मतलब एक सरफेस के सेंटर पर रख दूं, तो पूरे क्यूब से निकलेगा कितना और एक सरफेस से कितना निकलेगा। और अगर मैं यहां रख दूं तो, यानी एक साइड के सेंटर पर रख दूं, तो ये तीन चार केसेस और बनते हैं। तो क्यूब के सारे केसेस समझने के लिए मुझे एनिमेशन का यूज करना पड़ेगा। ठीक है, क्योंकि क्यूब बनाना, चार्ज इस तरह से है कि क्यूब
क्यूब दिया हुआ है, तो क्यूब को घेरने के लिए, इस चार्ज को घेरने के लिए आसपास ऐसे ही क्यूब की जरूरत पड़ेगी। जैसे सिलेंडर था तो सिलेंडर, हेमीस्फीयर था तो हेमीस्फीयर, घेरने के लिए भी क्यूब ही चाहिए। तो कभी तो दो क्यूब की जरूरत पड़ेगी, कभी चार क्यूब की जरूरत पड़ेगी, कभी आठ क्यूब की जरूरत पड़ेगी। ठीक है, तो मैं इसको आपको एनिमेशन के थ्रू बताऊंगा। तो हम अभी कंप्यूटर पर चलते हैं और एनिमेशन के थ्रू हम ये क्लास देखेंगे कि किस तरह से हम क्यूब के क्वेश्चन करेंगे। राइट, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस हैं। बस आप एक बात याद रखना तो समझ में आ जाएगा एनिमेशन में, कि क्यूब में जिस सरफेस से इलेक्ट्रिक लाइंस ऑफ फोर्स पैरेलल जाए, जिस सरफेस से बिल्कुल पैरेलल इलेक्ट्रिक लाइंस ऑफ फोर्स है, उस सरफेस से एसोसिएटेड फ्लक्स जीरो होगा। जैसे ये मान लो मोबाइल है, ये सरफेस एरिया हो गया, अब इलेक्ट्रिक लाइंस ऑफ फोर्स इसके पैरेलल हैं, तो इससे कोई भी फ्लक्स एसोसिएटेड नहीं होगा। बाकी की जो सरफेस हैं उनमें अगर लाइंस कट हो रही हैं तो उनसे एसोसिएटेड होगा, लेकिन इससे एसोसिएटेड नहीं होगा। बस इतना सा ध्यान रख लो तो आगे की क्लास समझ में आएगी। तो बच्चों आज हम क्या करेंगे, यहां तक मैंने पढ़ा है आपको, अब हम सीधे एनिमेशन में चलते हैं, कंप्यूटर पर चलते हैं। तो वो आप कंप्यूटर में देखेंगे किस प्रकार से क्यूब के क्वेश्चन सॉल्व करते हैं, और उसके बाद में जो लास्ट टर्म की क्लास रह गई थी बच्चों, इलेक्ट्रिक फील्ड जो हम बात कर रहे थे, एक जैसे रिंग थी उसको चार्ज किया था और उसके सेंटर से कहीं एक्सेस पर यहाँ कहीं हमें इलेक्ट्रिक फील्ड फाइंड करनी थी, तो उसका पूरा डेरिवेशन था, तो बीच में आधा डेरिवेशन ही हो पाया था, उसके बाद फिर वो वीडियो ऑफ हो गया था। तो इसलिए अब उसको रिपीट करेंगे, वो प्री रिकॉर्डेड क्लास है, और उसके बाद एक क्वेश्चन मैं सॉल्व करवाऊंगा, और उस क्वेश्चन को सॉल्व करने के लिए एक छोटा सा फार्मूला आपको फिलहाल अभी याद रखना पड़ेगा, कि वो फार्मूला इस गॉस थ्योरम के बाद में आएगा। ठीक है, तो वो फार्मूला क्या है जरा पहले से ही देख लूं, जिससे कि वो क्वेश्चन आपको समझ में आएगा। जैसे ये एक शीट है, इनफाइनाइट लेंथ की और इनफाइनाइट चौड़ाई की शीट है, लेंथ विड्थ सब कुछ इनफाइनाइट है, बस थिकनेस इसकी नेग्लिजिबल है। इसको हमने चार्ज किया, चार्ज किया मान लो पॉजिटिव चार्ज किया, तो सरफेस चार्ज डेंसिटी है सिग्मा। तो इस इनफाइनाइट शीट के आसपास जो इलेक्ट्रिक फील्ड होती है बच्चों, वो होती है सिग्मा अपॉन एप्सिलॉन जीरो। ये हम एप्लीकेशन ऑफ गॉस थ्योरम में अगले टर्म से पढ़ेंगे, अभी फिलहाल ये ध्यान रख लेना कि उसका यूज होगा एक क्वेश्चन में, ई इक्वल टू सिग्मा अपॉन एप्सिलॉन जीरो। ठीक है, बस इतना ध्यान रखना, अब क्वेश्चन हो जाएगा इस पर बेस्ड। जो क्वेश्चन अभी मैं करा रहा हूं वो एक बच्चे ने पूछा भी था व्हाट्सएप पर, ठीक है, तो चूंकि इसका यूज होना था इसलिए मैंने अभी उसको नहीं बताया, अब आज क्लास में वो समझ लेगी। राइट, तो चलिए स्टार्ट करते हैं, कंप्यूटर पर चलते हैं। अब एक सेकंड रुक लीजिए। दिस इज मनोज नायक फ्रॉम नीट वन ऑनलाइन क्लासेस एंड फिजिक्स कॉन्सेप्ट ग्वालियर। बच्चों इलेक्ट्रिक फ्लक्स थ्रू क्यूब, ये एक छोटा सा टॉपिक है, जब आप इलेक्ट्रोस्टैटिक्स पढ़ते हैं, गॉस थ्योरम की बात करते हैं, वहां पर इस तरह से क्वेश्चन बनते हैं कि कोई क्यूब है, उसके कॉर्नर पर या उसके किसी साइड पर या किसी फेस पर कहीं पर कोई एक चार्ज प्लेस कर दें, फ्लक्स एसोसिएटेड विद दिस क्यूब एंड फ्लक्स एसोसिएटेड विद ईच फेस ऑफ द क्यूब कितना होगा, ये फाइंड करने को कई बार क्वेश्चंस आते हैं। तो बहुत अच्छे क्वेश्चंस होते हैं बच्चों, इनको सॉल्व करने के लिए एक सिंपल सी ट्रिक मैं आपको बता रहा हूं, तो ये सारे क्वेश्चंस आप देखते चलिए, इस ट्रिक से आप कभी भी इस तरह के क्वेश्चंस भूलेंगे नहीं। राइट, तो पूरा देखिए इस वीडियो को, चलिए देखते हैं। एक क्वेश्चन हम स्टार्ट करते हैं, जैसा कि एक क्यूब आप देख रहे हैं, अगर आपको ये कहा जाए कि एक कोई चार्ज को इस क्यूब के बिल्कुल अंदर रख दूं, मैं यहां कहीं सेंटर पर इसके अंदर एक चार्ज रख दूं, और ये पूछा जाए कि इस पूरे क्यूब से कितना फ्लक्स एसोसिएटेड होगा, ओके, तो गॉस थ्योरम ये कहती है, ये तो बड़ा सिंपल सा क्वेश्चन है, गॉस थ्योरम ये कहती है कि किसी चार्ज से निकलने वाला जो फ्लक्स है, इलेक्ट्रिक फ्लक्स है, वो हमें फाइंड करना है, तो उसको पहले तो सभी तरफ से उसको कवर कर लीजिए, एक क्लोज सरफेस बना लीजिए, उसको हम गॉसियन सरफेस कहते हैं। उस क्लोज सरफेस से निकलने वाला जो फ्लक्स होता है वो आपको मालूम है कि उसके अंदर जितना चार्ज प्रेजेंट है उसका 1/ε0 टाइम्स होता है। तो ये तो ऐसा दिख रहा है कि
कि चार्ज को इस क्यूब के अंदर अगर रख दिया जाए तो आप देखेंगे इसकी सिक्स फेसेस हैं और ये चार्ज इस सिक्स सरफेसेस से घिरा हुआ है, मींस गॉसियन सरफेस बन गई, क्लोज सरफेस बन गई और ये उस क्लोज सरफेस के अंदर क्यू चार्ज है। तो इस क्यूब से एसोसिएटेड फ्लक्स कितना होगा? बिल्कुल सही है आपने सोचा, क्यू अपॉन एप्सिलॉन जीरो। ठीक है, अब इसी में ये बच्चों एक दूसरा क्वेश्चन बनता है कि जो इसकी फेसेस हैं, ये फेसेस हैं सिक्स फेसेस होती हैं, तो फ्लक्स एसोसिएटेड विद ईच फेस कितना होगा? फ्लक्स एसोसिएटेड विद ईच फेस, तो अंदर जो चार्ज रखा हुआ है उसके कारण टोटल फ्लक्स कितना निकल रहा है? क्यू अपॉन एप्सिलॉन जीरो। तो ईच फेस से कितना एसोसिएटेड होगा? सिंपल है, सिक्स फेसेस हैं तो सिक्स पार्ट में बट जाएगा, तो एक फेस से कितना निकलेगा? एक फेस से एसोसिएटेड होगा बच्चों क्यू अपॉन कितना? सिक्स एप्सिलॉन जीरो। ठीक है, तो ये एक बड़ा सिंपल सा क्वेश्चन हुआ। अब आगे बढ़ते हैं एक और टाइप के क्वेश्चन में बच्चों। ये हमारे पास एक क्यूब है और मैं यहां पर इस फेस के सेंटर पर यहां कोई चार्ज रख रहा हूं। ये चार्ज क्यू को मैंने एक फेस के सेंटर पर रख दिया, ध्यान देना। इस पूरे क्यूब से एसोसिएटेड फ्लक्स कितना होगा पहले ये फाइंड करें और फिर फाइंड करेंगे हम कि ईच फेस से कितना एसोसिएटेड होगा। तो इसको करने के लिए क्या करना पड़ेगा, अभी ध्यान से देखना बच्चों, ये ट्रिक मैं आपको बता रहा हूं। यहां पर ये क्यू चार्ज रखा हुआ है लेकिन क्या अभी ये किसी क्लोज सरफेस से कवर्ड है? नहीं है, क्योंकि ये जो क्यू चार्ज एक फेस के यहां पर रखा हुआ है तो इधर से तो कवर्ड दिख रहा है लेकिन इस साइड से कवर्ड नहीं दिख रहा, अनकवर्ड है। तो उसको अनकवर्ड को आप कवर कर लो। कवर करने का तरीका क्या है कि गॉस ये सजेस्ट करते हैं कि जैसी सिमेट्रिकल यहां फेस है या कोई स्ट्रक्चर है, वैसा ही स्ट्रक्चर आप और ले लें और उसको इससे चिपका दें तो ये जो क्यू है ये क्यू चार्ज उन दोनों स्ट्रक्चर के बीच में कहीं आ जाएगा तो ये ऑल अराउंड से ये कवर्ड हो जाएगा, सरफेस क्लोज बन जाएगी। ठीक है, तो एक काम करते हैं, ये क्यूब है तो क्यूब ही अज्यूम कर लेते हैं। तो ये मैंने क्यूब यहां पर ये अज्यूम कर लिया है। इस क्यूब को अगर मैं इस क्यूब के साथ चिपका दूं तो ये जो बीच में ये चार्ज रखा हुआ है वो इस स्ट्रक्चर के बड़े से स्ट्रक्चर के सेंटर पर कहीं बीच में आ जाएगा। इस होल स्ट्रक्चर से निकलने वाला फ्लक्स क्या होगा बच्चों? गॉसिय कहते हैं 1/ε0 टाइम्स ऑफ क्यू। लेकिन ये जो रियल क्यूब है, इस रियल क्यूब से निकलने वाला फ्लक्स चाहिए हमें तो इस क्यू चार्ज के कारण। ये जो रियल क्यूब है इससे एसोसिएटेड फ्लक्स कितना होगा वो देखने के लिए हम देखेंगे कि ये रियल क्यूब इस बड़े से स्ट्रक्चर का कौन सा पार्ट है। तो हाफ पार्ट है, इसका मतलब इसके हिस्से में कितना फ्लक्स आएगा? ऑब्वियसली हाफ आएगा। तो टोटल था क्यू अपॉन एप्सिलॉन जीरो, तो इसके हिस्से में कितना आया? क्यू अपॉन 2ε0। ओके, तो चलिए इसको कवर करते हैं बच्चों। तो देखें हम यहां पर इसको मैं कवर कर रहा हूं, एक इसको यहां खिसका दिया तो ये जो चार्ज था वो बिल्कुल इसके अंदर आ गया। ठीक है ना, इसके अंदर आ जाएगा। तो इसके अंदर आ गया चार्ज, तो इस पूरा सा बड़ा सा जो स्ट्रक्चर है उसमें एक तो रियल है और ये वाला जो हमने अज्यूम किया हुआ है, ये अज्यूम किया हुआ है, तो इस पूरे स्ट्रक्चर से निकलने वाला फ्लक्स तो क्यू अपॉन एप्सिलॉन जीरो। लेकिन क्वेश्चन ये है कि आप तो ये बताओ जो क्यूब था यहां पर, इस क्यूब रियल क्यूब जो हमने रखा हुआ था, उस रियल क्यूब से निकलने वाला फ्लक्स कितना होगा? तो ऑब्वियसली क्यू अपॉन 2ε0 होना चाहिए बच्चों। क्यों? क्योंकि ये रियल क्यूब तो इस बड़े से स्ट्रक्चर का हाफ पार्ट है, तो इसके हिस्से में फ्लक्स भी हाफ ही आएगा। ओके, एक क्वेश्चन ये हो गया बच्चों। सेकंड क्वेश्चन इसी में बच्चों एक क्वेश्चन और बनता है। ये चार्ज हमारे पास रखा हुआ है क्यू सेंटर पर, ठीक है, एक फेस के सेंटर पर। यस बच्चों, एक क्वेश्चन और बनता है, जैसे यहां पर सेंटर पर, इस फेस के सेंटर पर कोई क्यू चार्ज रख दिया आपने और इस पूरे क्यूब से एसोसिएटेड फ्लक्स, तो ये तो आपने निकाल लिया बच्चों, कितना निकला? ये निकला अभी आपने देखा क्यू अपॉन 2ε0। ठीक है, अब वो कहेगा कि इस जो पूरा क्यूब है उसके ईच फेस से कितना एसोसिएटेड है। तो हम क्या करेंगे, क्या सिक्स से इसमें भी डिवाइड करेंगे? नहीं, इसलिए नहीं करेंगे बच्चों क्योंकि यहां पर जो इधर से फ्लक्स निकलेगा क्यू चार्ज के कारण, वो जिस सरफेस पर ये क्यू चार्ज रखा हुआ है उस सरफेस से एसोसिएटेड फ्लक्स तो जीरो ही होगा। क्यों जीरो होगा जरा चेक करें। एक छोटी सी ट्रिक है, कॉन्सेप्ट है छोटा सा, कि जैसे ये मैं एक कोई प्लेन मान लूं जिस प्लेन पर कोई चार्ज रखा हुआ है क्यू, तो अब जो क्यू चार्ज है वो तो ऑल अराउंड
क्या करेगा, हर डायरेक्शन में फील्ड लाइंस प्रोड्यूस करेगा। अब वो फील्ड लाइंस इसके आसपास जो बहुत सारे फेसेस होंगे उन फेसेस के अंदर कट होकर के जाएंगे, ठीक है। तो फ्लक्स की डेफिनेशन में आप ये समझते हैं कि कोई फील्ड लाइंस किसी सरफेस के परपेंडिकुलर निकल रही है तो वो नंबर ऑफ लाइंस जो परपेंडिकुलर उस सरफेस से निकलती हैं वही नंबर ऑफ लाइंस तो क्या होता है, इलेक्ट्रिक फ्लक्स एसोसिएटेड दिस सरफेस होता है, है ना। तो अब आप बताओ इस क्यू के कारण इस प्लेन से कोई लाइंस परपेंडिकुलर निकलती हैं क्या, जिस सरफेस पर ये क्यू चार्ज खुद रखा हुआ है उससे एसोसिएटेड जो लाइंस होंगी वो सारी की सारी इसी प्लेन में ही होंगी। इसका मतलब कि इस प्लेन से एसोसिएटेड कोई भी फ्लक्स नहीं होगा इस चार्ज के कारण, राइट। लेकिन ये चार्ज के कारण और जो लाइंस निकल रही हैं बहुत सारी वो और सरफेसेस के अंदर कट होकर के जा रही हैं, वो किसी एंगल पर कट हो रही हैं, ठीक है। जरूरी नहीं है कि 90 से हो, जब किसी एंगल पर कट होंगी तो उनके हम कंपोनेंट कर सकते हैं क्योंकि इलेक्ट्रिक फील्ड वेक्टर होती है। एक कंपोनेंट हो जाएगा परपेंडिकुलर टू द प्लेन, वो फ्लक्स में पार्ट करेगा, और एक कंपोनेंट हो जाएगा पैरेलल टू द प्लेन, और जो कंपोनेंट पैरेलल टू द प्लेन होगा उसको हम छोड़ देंगे, ठीक है। तो यहां पर अगर आप इतना छोटा सा ध्यान रख लें कि ये जो ये ट्रिक ध्यान रख लें कि जहां पर ये कोई चार्ज रखा हुआ है जिस सरफेस पर उस सरफेस से एसोसिएटेड फ्लक्स जीरो होता है, ठीक है, इस कॉन्सेप्ट को याद रख लें। तो अब बताइए बाकी के कितने सरफेसेस बचे, कितने फेस बचे। यस बिल्कुल सही है, 5 फेस बचे। तो जो 5 फेस बचे उस 5 फेसेस से इक्वली ये फ्लक्स डिवाइड हो जाएगा, कितना वाला, ये जो q अपॉन 2 एप्सिलॉन 0 है इसको 5 फेसेस में आप और डिवाइड कर दीजिए तो फ्लक्स थ्रू ईच फेस कितना होगा, ये होगा बच्चों q अपॉन 2 एप्सिलॉन नॉट का 1/5 टाइम्स, राइट। तो हमारा आंसर आ गया, आप देखेंगे 1/10 q अपॉन एप्सिलॉन नॉट, राइट। तो फ्लक्स एसोसिएटेड विद ईच फेस विल बी q अपॉन 10 एप्सिलॉन नॉट एंड फ्लक्स एसोसिएटेड विद क्यूब होल क्यूब इज q अपॉन 2 एप्सिलॉन नॉट, कब, व्हेन द पार्टिकल चार्ज पार्टिकल इज प्लेस्ड एट द सेंटर ऑफ फेस, वन ऑफ द फेस, ओके। एक और क्वेश्चन देखें बच्चों, ये भी बड़ा ट्रिकी क्वेश्चन है, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, इसकी भी बहुत सिंपल ट्रिक मैं आपको बता रहा हूं। इफ चार्ज क्यू इज प्लेस्ड एट द मिड पॉइंट ऑफ साइड ऑफ क्यूब, ये आपको क्यूब दे दिया, इसकी एक साइड पर यहां कहीं पर इसके सेंटर पर, इस साइड के सेंटर पर मतलब इस साइड के मिड पॉइंट पर कोई हम चार्ज रख देते हैं, ठीक है। तो अब फिर से वही दो क्वेश्चन बनते हैं इसमें कि फ्लक्स एसोसिएटेड विद दिस क्यूब एंड फ्लक्स एसोसिएटेड विद दिस विद ईच फेस ऑफ दिस क्यूब, ओके। तो जरा सोचो, यहां इस सेंटर पर मींस इस साइड के सेंटर पर, इस साइड के मिड पॉइंट पर चार्ज रखा हुआ है, यहां चार्ज रखा हुआ है, तो अभी क्या ये कवर्ड है गॉसियन सरफेस से, नहीं है। जब कवर्ड नहीं है तो गॉस क्या कहते हैं, इसको इमेजिनरी स्ट्रक्चर से कवर्ड करो। तो एक काम करते हैं, सिमेट्री के लिए क्यूब है तो क्यूब से ही कवर्ड करेंगे, ओके। तो हम एक क्यूब, ये जो यहां पर रखा हुआ है, इस क्यूब को मैं यहां चिपका देता हूं इससे, देखो ये क्यू चार्ज यहां सेंटर पे आया, और ये वाला जो क्यूब है ना, ये वाला जो क्यूब दिख रहा है आपको, इस क्यूब को मैं यहां लाके ऐसे लगा दिया, राइट। तो अभी ये जो चार्ज है वो यहां आ जाएगा अभी भी, लेकिन ये बाहर से दिख रहा है, मतलब बाहर से कवर्ड नहीं, अनकवर्ड है, पीछे से तो कवर्ड हो गया। तो अब ये जो दो क्यूब यहां पर बने हुए रखे हुए हैं, इनको भी मैं क्या करता हूं बच्चों, ऐसे ही सिमेट्री से यहां लाता हूं एक, और इस वाले क्यूब को यहां ले आया। ध्यान देना बच्चों, जैसे ही मैं यहां ले आऊंगा तो वो जो चार्ज है वो कहां हो गया होगा, उसके अंदर चला गया होगा, सेंटर पे आ गया होगा कहीं, ठीक है। तो इस बड़े से स्ट्रक्चर के सेंटर पर वो चार्ज आ गया होगा, इसका मतलब ये हुआ कि अब वो चार्ज इस पूरे स्ट्रक्चर से कवर्ड हो गया, इस पूरे सरफेस से कवर्ड हो गया, इस पूरे सरफेस से जिसको हम गॉसियन सरफेस कहेंगे, उस गॉसियन सरफेस से निकलने वाला फ्लक्स क्या होगा, सिंपल सी बात है, क्यू अपॉन एप्सिलॉन नॉट होगा। लेकिन ये वाला जो क्यूब है जिससे एसोसिएटेड फ्लक्स निकालना है, बाकी के तीन तो क्या है, बाकी के तीन तो इमेजिनरी हैं, हमने अज्यूम किए हैं, अज्यूम्ड क्यूब है,
और वो रियल क्यूब है, तो उस रियल क्यूब से एसोसिएटेड फ्लक्स कितना होगा यही तो पूछा है। तो आप बताइए वो रियल क्यूब इस बड़े से जो स्ट्रक्चर है उसका कौन सा पार्ट है? बिल्कुल सही, फोर्थ पार्ट है। इसका मतलब जो टोटल फ्लक्स होता है इस पूरे स्ट्रक्चर से निकलने वाला, मतलब जो चार्ज बनाएगा फ्लक्स, टोटल फ्लक्स क्यू अपॉन एप्सिलॉन जीरो, वही तो बनाता है। उसका कौन सा हिस्सा उसके इसमें आएगा, उसके हिस्से में आएगा, वो आएगा क्यू बाई फोर, राइट। तो यहां हम लिख सकते हैं बच्चों, फ्लक्स एसोसिएटेड विद क्यूब विल बी क्यू अपॉन फोर एप्सिलॉन जीरो। ध्यान दीजिएगा, फोर मैंने क्यों लिखा है, क्योंकि इस पूरे स्ट्रक्चर से निकलने वाला फ्लक्स क्यू अपॉन एप्सिलॉन जीरो होगा, क्योंकि बच्चों चार्ज पॉइंट चार्ज की नेचर है, पॉइंट चार्ज अपने ऑल अराउंड कितना फ्लक्स निकालेगा, जितना उसके चार्ज का मैग्नीट्यूड है, तो मैग्नीट्यूड कितना है क्यू, तो क्यू अपॉन एप्सिलॉन नॉट, ये तो निकालता ही है, बस अब उसको कवर कर दीजिए गॉसियन सरफेस से, तो वही जो निकलने वाला फ्लक्स है वो उस गॉसियन सरफेस से एसोसिएटेड हो जाता है और कुछ नहीं, ठीक है ना। अच्छा, इसी में फिर बच्चों एक क्वेश्चन और बनता है। यस बच्चों, अब हमने अभी देख लिया कि इस क्यूब से निकलने वाला सॉरी यस बच्चों, अभी हमने देख लिया कि अगर हम चार्ज को एक साइड के सेंटर पर रख दें, मिड पॉइंट पर रख दें, तो इस क्यूब से निकलने वाला फ्लक्स होता है क्यू अपॉन फोर एप्सिलॉन जीरो। अब हम चाहते हैं कि फ्लक्स एसोसिएटेड विद ईच फेस ये कितना होगा, फ्लक्स एसोसिएटेड विद ईच फेस। फिर से वही बात, कितनी फेसेस हैं, आप कहोगे सिक्स फेसेस हैं, तो क्या सिक्स से डिवाइड कर दूं, बिल्कुल नहीं, ठीक है। अब इसमें क्या करना है, फिर से एक बहुत सिंपल सी ट्रिक बता रहा हूं बच्चे, इससे कभी गलत नहीं होगा आपका। जिस लाइन पर, जिस साइड पर ये चार्ज रखा हुआ है, आप सोचिए वो साइड कितने फेसेस में कॉमन है, बस इतना सोच लीजिए। जिस लाइन पर ये चार्ज रखा हुआ है वो चार्ज या वो लाइन कितने फेसेस में कॉमन है, तो आप देखेंगे कि दो फेसेस में कॉमन है, एक तो ये वाली फेस आप देख रहे हैं और एक ये वाली फेस देख रहे हैं, इस इन दोनों फेसेस में ये चार्ज या ये लाइन कॉमन है। इसका मतलब इस चार्ज के कारण ये फेज नंबर वन, इससे एसोसिएटेड फ्लक्स जीरो होगा और इससे भी एसोसिएटेड फ्लक्स जीरो होगा। अभी बताया था पिछले उसमें कि जहां पर चार्ज, जिस फेस पर चार्ज रखा होता है उस फेस से एसोसिएटेड फ्लक्स जीरो होता है, राइट। तो बाकी की कितनी फेस बची, टोटल सिक्स होती है, दो से तो जीरो हो गया, इसका मतलब बाकी की कितनी बचती है, बाकी की बच्चों चार बची, तो वो चार जो फेस बची उनसे एसोसिएटेड फ्लक्स कितना होगा। सिंपल, ये जो क्यू अपॉन फोर एप्सिलॉन जीरो था इसी को आप फोर पार्ट में और डिवाइड कर दीजिए, सिंपल। तो वन बाई फोर पार्ट ऑफ फ्लक्स एसोसिएटेड विद दिस क्यूब, आवर आंसर विल बी 1 अपॉन 16 क्यू अपॉन एप्सिलॉन नॉट, राइट। तो इस तरह से हमने ये किया। एक और क्वेश्चन देखें बच्चों, ऐसा ही है, ये मेरे पास एक क्यूब है, ठीक है, और क्यूब के यहां एक कॉर्नर पर मैं चार्ज रख रहा हूं। इफ द चार्ज इज प्लेस्ड एट वन ऑफ द कॉर्नर्स ऑफ क्यूब, यहां कॉर्नर पर चार्ज रखा हुआ, बहुत सिंपल क्वेश्चन है, सीबीएसई 12th में भी पूछा गया है और नीट में तो बहुत पूछे जाते ही ऐसे। तो यहां पर एक चार्ज रख दिया है कॉर्नर पर, अब मुझे बताना है फ्लक्स एसोसिएटेड विद दिस होल क्यूब एंड फ्लक्स एसोसिएटेड विद ईच फेस ऑफ दिस क्यूब। तो इसके लिए क्या करेंगे बच्चों, फिर से वही गॉसियन थ्योरम अप्लाई करने के लिए हमें इस चार्ज क्यू को कवर करना पड़ेगा, घेरना पड़ेगा। सिमेट्री से एक क्यूब लेके आता हूं मैं, ये वाला क्यूब यहां फंसा दिया, ठीक है। तो आप देखेंगे अभी भी ये ऊपर से दिख रहा है, क्यूब दिख रहा है ना, ये चार्ज दिख रहा है ना। अब मैं दो क्यूब और यहां लगा देता हूं, ऐसे एक यहां लगा दिया बच्चों, एक यहां लगा दिया। अब आप देखोगे कि अभी नीचे से तो ये पूरा कवर हो गया, ऊपर से कवर नहीं हुआ है। और सिमेट्री बनानी है, ध्यान देना, आप ये सोचो कि एक क्यूब इसके ऊपर रख दो तो फिर सिमेट्री नहीं बनेगी, तो सिमेट्री बनाने के लिए जैसे चार नीचे क्यूब हैं वैसे ही चार और इस पे आप लगा दीजिए, राइट। और ये ध्यान देना, ये वाला हमारा रियल क्यूब है, इससे एसोसिएटेड फ्लक्स निकालना है, बाकी के जो येलो कलर से दिख रहे हैं वो सब अज्यूम्ड है, हमने अज्यूम किए हैं। तो अब सिमेट्री बनाने के लिए, जिससे कि ये जो क्यू चार्ज है बिल्कुल सेंटर पर आ जाए और एक बड़ा सा स्ट्रक्चर बन जाए,
उसके सेंटर पर ये क्यू चार्ज आ जाए, तो चार हमें ये जो क्यूब हैं ऊपर से ऐसे चिपकाने पड़ेंगे। तो एक बड़ा सा 8 क्यूब का स्ट्रक्चर बन गया। कितना बन गया बच्चों? 8 क्यूब का। और 8 क्यूब में जो एक जो हमारे पास एक और था वो क्या था, इस 8 क्यूब में ही एक हमारा रियल क्यूब था। अच्छा, जो सेंटर पर अब फंस गया है चार्ज, उससे के कारण इस पूरा जो बड़ा स्ट्रक्चर बना 8 क्यूब का, उसके पूरे सरफेस से निकलने वाला फ्लक्स क्या होगा? बिल्कुल सही है, क्यू अपॉन एप्सिलॉन नॉट। वो तो कभी चेंज होता नहीं है, वो तो चार्ज पर डिपेंड करता है। लेकिन जो रियल क्यूब था वो इस बड़े से स्ट्रक्चर का कौन सा पार्ट है? आप कहेंगे वो तो 1/8 पार्ट है। बिल्कुल सही, तो उससे निकलने वाला फ्लक्स क्या होगा? वही तो निकालना था हमें। तो फ्लक्स थ्रू क्यूब कितना हुआ? क्यू अपॉन 8 एप्सिलॉन 0, राइट। तो फ्लक्स थ्रू ईच फेस कितना होगा बच्चों? अब ईच फेस की बात करें तो फिर से इसको खोल लेते हैं। ये खोल लिया मैंने, यहां पर चार्ज रखा हुआ था बच्चों, ध्यान देना, राइट। अब हमें निकालना है फ्लक्स थ्रू ईच फेस, तो इस क्यूब से कितना निकलेगा वो तो हम अभी देख चुके। वो हमने देखा क्यू अपॉन 8 एप्सिलॉन 0 आया, क्योंकि ये जो क्यू था वो इन सभी क्यूब का, इस बड़े से स्ट्रक्चर का 8th पार्ट था, राइट। तो अब फिर से ईच फेस से निकालने के लिए हम क्या तरीका अपनाएंगे बच्चों? ईच फेस से निकालने के लिए बहुत सिंपल तरीका है, फिर बहुत सिंपल ट्रिक है। और वो ट्रिक ये है कि यहां पे जो क्यू चार्ज रखा हुआ है वो सोचिए कितने फेसेस के कांटेक्ट में है, डायरेक्ट कांटेक्ट में है, या कितने फेसेस में कॉमन है। तो ये क्यू चार्ज आप जरा ऑब्जर्व करेंगे तो देखेंगे ये फर्स्ट फेज में कॉमन है, सेकेंड फेज में कॉमन है, और थर्ड, ये 3 फेज में कॉमन है। देखो ये जो कॉर्नर है, ये कॉर्नर इन तीनों का ही तो कॉमन हिस्सा है। इसका मतलब ये क्यू चार्ज जो यहां पर रखा हुआ है इस कॉर्नर पर, वो इसमें भी माना जाएगा, इसमें भी माना जाएगा, और इसमें भी माना जाएगा, मतलब 3 फेसेस में ये माना जाएगा। तो इसका मतलब इन 3 फेसेस से निकलने वाला तो फ्लक्स क्या हो गया? 0। बाकी के 3 बचे तो उन 3 फेस में और आप डिवाइड कर दो। तो इसका मतलब ये जो क्यूब से निकलने वाला, क्यूब से एसोसिएटेड फ्लक्स था, उसको हम 3 पार्ट में और डिवाइड कर देंगे तो हमारा आंसर आ जाएगा 1/3 times ऑफ क्यू अपॉन 8 एप्सिलॉन 0, दैट इज क्यू अपॉन 24 एप्सिलॉन 0, राइट। तो अगर कॉर्नर पर रखा हो तो ईच फेस से एसोसिएटेड होता है बच्चों क्यू अपॉन 24 एप्सिलॉन 0, और होल क्यूब से होता है क्यू अपॉन 8 एप्सिलॉन 0। तो ये क्यूब के छोटे छोटे क्वेश्चंस हैं जो कि अक्सर एग्जाम्स में पूछे जा सकते हैं, पूछे जाते रहे हैं, और अक्सर बच्चे कई बार इनमें कंफ्यूज हो जाते हैं। तो अब मेरे ख्याल से आप कंफ्यूज नहीं होंगे, इनको अच्छी तरीके से आप देख लीजिए, और ये मैंने छोटी सी ट्रिक्स बनाई हैं आपके लिए जिससे कि आप इनको सॉल्व कर पाए, राइट। तो पढ़ाई करते रहिए, थैंक यू।
देखो इलेक्ट्रिक फील्ड एट ए पॉइंट ऑन द एक्सिस ऑफ चार्ज रिंग, कोई चार्ज रिंग है उसके एक्सिस पर कोई पॉइंट है, उस पॉइंट पर आपको इलेक्ट्रिक फील्ड फाइंड करनी है। तो मैंने क्या किया, इधर एक इलेक्ट्रिक फील्ड बनाने निकालने के लिए मैं एक रिंग बना लेता हूं। तो आपको ये रिंग तो है ही नहीं है, रिंग तो ऐसे सर्कल होती है। तो ये मैंने थ्री डायमेंशनल फिगर बनाया है, इस दीवार पे रिंग है तो इस तरह से बनानी पड़ेगी ना बोर्ड पे, ऐसा, ठीक है ना। क्योंकि अगर मैं ऐसा बनाऊंगा ये बाहर की तरफ एक्सेस होगी, मुझे एक्सेस रखनी है बोर्ड पर तो रिंग मुझे ऐसी बनानी पड़ेगी। एक और तरीका है, आप चाहें तो एक्स वाई जेड एक्सेस मान लो, ठीक है, उस पर रिंग बना लो। ये एक्स एक्सेस हो गई, ये कौन सी एक्सेस हो गई, वाई, और ये हो गई जेड। इसको सेंटर मानते हुए आप एक रिंग बना लो ऐसी, ठीक है, और ये हो गई उसकी रिंग की एक्सेस हो गई, ये वाली एक्स एक्सेस। तो इस एक्सेस पर कितना इलेक्ट्रिक फील्ड होगी वो आपको बतानी है। तो समझ गए, अब चूंकि इनकी जरूरत नहीं पड़ेगी इसलिए मैं एक्सेस हटा रहा हूं, समझ गए ना कि ऐसे ऐसा शेप क्यों बनाया है। तो सिंपल हम इसको ऐसा बना सकते हैं, ये हमारे पास एक रिंग है, ये ठीक इसका सेंटर है, यहां से यहां तक ये एक्सेस हो गई, और इस रिंग पर हम टोटल चार्ज दिए हैं क्यू। तो वो टोटल चार्ज एक जगह तो रहेगा नहीं, कहां होगा वो, पूरी इस रिंग की पूरी सर्कमफ्रेंस पर ऐसे डिस्ट्रीब्यूट हो जाएगा। मान लो मैंने पॉजिटिव चार्ज दिया तो इस पर रिंग पर क्या होगा, ये पॉजिटिव चार्ज इस तरह से पूरी की पूरी रिंग पर ऐसे डिस्ट्रीब्यूट हो जाएगा। तो ये पॉजिटिव चार्ज इस रिंग पर डिस्ट्रीब्यूट हो गया है। रिंग की रेडियस मान लेते हैं, रिंग की रेडियस है सपोज कैपिटल आर, ठीक है। अब ये सेंटर है, इस सेंटर से सपोज यहां पर एक्स डिस्टेंस पर इस पॉइंट पर कहीं पी पॉइंट है ये, इस पॉइंट पर मुझे इलेक्ट्रिक फील्ड निकालनी है, पूरी रिंग पर जो चार्ज है उसके कारण यहां फील्ड निकालनी है। तो हम क्या करेंगे कि इस पूरी रिंग पर जो चार्ज है क्यू उसको छोटे छोटे टुकड़ों में बांट दो, डी क्यू डी क्यू डी क्यू डी क्यू, बहुत सारे डी क्यू है पूरी सरफेस पर फैले हुए हैं, सारे डी क्यू को मिला दोगे तो क्या हो जाएगा, क्यू हो जाएगा, है ना। छोटे छोटे चार्ज हैं पूरी सरफेस पर, डी क्यू डी क्यू डी क्यू डी क्यू डी क्यू डी क्यू डी क्यू, सब डी क्यू पूरे फैले हुए हैं, उन सभी को मिला दिया जाए तो क्या बन जाएगा, टोटल चार्ज क्यू बन जाएगा। एक तो ये ध्यान रखना। अब हमने क्या किया, किसी एक चार्ज को पकड़ लिया यहां पर, ये छोटा सा पॉइंट चार्ज, इस पर कितना चार्ज मान लूं, डी क्यू, ये छोटा सा चार्ज है डी क्यू, ठीक है, क्योंकि डी क्यू बहुत सारे हैं तो एक पकड़ लो, किसी एक के कारण यहां कितना है वो निकालें, किसी एक के कारण यहां पर कितना इलेक्ट्रिक फील्ड है वो निकालें। तो अब पूरी रिंग भूल जाओ आप, यहां पे चार्ज कौन सा हो गया, ये पॉइंट चार्ज हो गया डी क्यू, ये पॉइंट है पी, इस डी क्यू को इस पी से मिलाओ, मान लो स्मॉल आर डिस्टेंस पर है, पूरा फिगर भूल जाओ, यहां पे चार्ज है डी क्यू, आर डिस्टेंस पर पी पॉइंट है, तो बताओ यहां पर इलेक्ट्रिक फील्ड कितनी होगी और कौन सी डायरेक्शन में होगी ये बताओ। आपको यहां पर फील्ड की डायरेक्शन बताओ क्या होगी, ये पॉजिटिव चार्ज है तो इस पी पॉइंट पर पॉजिटिव चार्ज के कारण इलेक्ट्रिक फील्ड कौन सी डायरेक्शन में होगी, अवे फ्रॉम पॉजिटिव, पॉजिटिव है तो पॉजिटिव से दूर होती है ना, इधर नीचे की तरफ होगी, तो इसको दूर की तरफ बना दिया, ये बना देता हूं एरो बना दिया, क्योंकि डायरेक्शन ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड इज अवे फ्रॉम पॉजिटिव चार्ज। कितनी होगी, छोटी सी फील्ड होगी, क्योंकि यहां पर डी क्यू छोटा सा चार्ज है तो फील्ड भी क्या होगी, छोटी सी तो होगी, तो डी ई मान लिया, ई मतलब बड़ी फील्ड, डी लगा दिया तो छोटी फील्ड, सिंपल बात है, डिफरेंशियल से करते जो। अब इस डी ई ने इस एक्सेस से सपोज कोई एंगल बनाया थीटा, ठीक है,
समझ आ गई बात। अब जरा ब्रेक करो, DE को ब्रेक करो, इस डायरेक्शन में कितनी फील्ड होगी है? DE cos थीटा, थीटा वाला कंपोनेंट cos, और ये वाला क्या होगा? DE sin थीटा होगा, ये DE sin थीटा हो गया, समझ रहे हैं? इस DE का काम खत्म, ये DE cos थीटा और ये DE sin थीटा। लेकिन ये तो एक छोटे से पार्ट DQ की ही फील्ड आई है, इसमें तो बहुत सारे DQ हैं, तो इसके ठीक अपोजिट एक DQ और चुन लो, जस्ट अपोजिट। DQ यहां है तो DQ के नीचे इधर भी तो DQ होगा, होगा कि नहीं? तो इस जगह पर एक DQ चार्ज और ले लिया, इस DQ को P से मिलाओ, वही डिस्टेंस होगी यार, होगी कि नहीं? अब बताओ इस DQ के कारण यहां पर P पॉइंट पर फील्ड की डायरेक्शन किधर होगी? ये भी पॉजिटिव है तो अपवर्ड होगी, कितनी होगी? वो भी DE होगी, आप कहोगे कितना एंगल बनेगा यहां? वो भी थीटा बनेगा जितना यहां बना। इसको भी ब्रेक कर लो, ये थीटा वाला कौन सा हो जाएगा? DE cos थीटा, और इसके परपेंडिकुलर DE sin थीटा। अभी ध्यान देना, केवल दो टुकड़े लिए हैं, एक टुकड़ा DQ ऊपर वाला और एक टुकड़ा जस्ट अपोजिट नीचे वाला। इन केवल दो टुकड़ों के कारण ही सोचो नेट फील्ड कितनी आई, केवल दो टुकड़ों के कारण। ये DE sin थीटा और ये DE sin थीटा एक दूसरे के अपोजिट हैं, ठीक है, और बराबर हैं, तो कैंसिल आउट हो जाएंगे। तो ये तो कट गया, यहां पर कितनी बची? ओनली DE cos थीटा और DE cos थीटा, दो टुकड़े दो फील्ड एड हो गई, समझ रहे हैं? अब आप जस्ट इमेजिन करो, इस DQ के थोड़ा इधर खिसके अपन, तो इधर भी एक DQ होगा, उस DQ का अपोजिट यहां पर होगा, तो इन दोनों का अगर मैं हिसाब किताब लगाऊं तो ऐसे ही बनेगा, क्या कैंसिल होंगे? सारे DE sin थीटा बचेंगे, क्या फिर से DE cos थीटा, DE cos थीटा, फिर दो टुकड़े दो DE sin थीटा, दो DE cos थीटा, फिर थोड़ा और नीचे किसको? ये DQ इसके अपोजिट, ये DQ और ये DQ, इसके लिए फिर से यहां पर क्या होगा? सारे DE sin थीटा कैंसिल दोनों, और बचे क्या? DE cos थीटा, DE cos थीटा। तो अगर मैं पूरी रिंग पर ऐसे ही अपोजिट DQ पीसेस ले लूं, सारे पीसेस ले लूं अपोजिट वाले, तो आप देखेंगे कि सभी में सभी DE sin थीटा कैंसिल हो रहे हैं और सभी DE cos थीटा ऐड हो रहे हैं। तो अगर कोई पूछे कि पूरी रिंग पर जितना चार्ज है उसकी टोटल फील्ड कितनी है, नेट फील्ड कितनी है, तो आप कहोगे जितने DE cos थीटा हैं सबको इकट्ठा कर लो, बस नेट फील्ड आ गई, क्योंकि सारे DE sin थीटा तो क्या हो गए? कैंसिल हो गए। तो जब इकट्ठा करते हैं तो इकट्ठा करने को क्या बोलते हैं? इंटीग्रेशन। तो इंटीग्रेशन किसका करना है? DE cos थीटा का, समझ में आ गई बात? ये हमारे पास फर्स्ट इक्वेशन हुई, इसी से हम डेरिवेशन को आगे बढ़ाएंगे। अब देखो DE कितना होगा, DE है क्या? एक DQ के कारण यहां पर फील्ड, एक टुकड़े के कारण फील्ड, तो DE इक्वल टू, जरा बताओ क्या आएगी फॉर्मूला, क्या था? K, फिर क्यों स्क्वायर, क्यू स्क्वायर क्यों बोल रहा है? ओनली Q, और Q भी कौन सा? ओनली DQ, समझ रहे हैं ना? क्यों नहीं, DQ, तो DQ, क्योंकि DQ टुकड़े कारण चाहिए ना, डिवाइड बाय कितना? R स्क्वायर, यहां से यहां तक डिस्टेंस कितनी हो गई? R, तो R स्क्वायर हो गई, ये DE आ गया, ठीक है। अच्छा आप बता सकते हो ये जो यहां पर cos थीटा है उसको कुछ लिख सकता हूं क्या इस डायग्राम को देख के? बोलो, ये थीटा है तो ये कितना होगा? थीटा ही होगा, ठीक है, थीटा हो गया। ये ट्रायंगल दिख रहा है, थीटा से cos थीटा बना लो, cos थीटा इक्वल टू क्या? बेस अपॉन हाइपोटेनस, तो क्या आ जाएगा cos थीटा? x बाई r आ जाएगा, तो DE आ गया k DQ बाई r स्क्वायर।
और cos थीटा आ गया x by r, ये दोनों यहां पुट कर दें तो देखो E इक्वल टू कितना आ गया इंटीग्रेशन DE कितना K dQ बाय R स्क्वायर इंटू cos थीटा कितना x बाय r, ये हो रहा है। थोड़ा सा और कैलकुलेट करें, इंटीग्रल K dQ इंटू x डिवाइड बाय क्या आ गया आर क्यू। थोड़ा सा और सिंप्लीफाई करें, E इक्वल टू K बाहर निकाल लें कॉन्स्टेंट है ठीक है, x बाई आर क्यूब ये भी बाहर आ गया, इंटीग्रल dQ बचा, क्या बचा इंटीग्रल dQ। अच्छा बताओ इंटीग्रल dQ क्या होगा, Q है ना, dQ मतलब छोटा पार्ट चार्ज का, और इंटीग्रल कर दिया मतलब सारे छोटे पार्ट को इकट्ठा करना, तो वो Q हो जाएगा। तो दैट सिंस इंटीग्रल dQ इक्वल टू Q होता है तो फाइनली आंसर क्या आया बोलो, E इक्वल टू K की वैल्यू K लिखा रहे दें, इसको Q लिख दिया पहले इंटू X डिवाइड बाय आर क्यू। एक स्टेप और बढ़ा लें, इस ट्राइंगल में बताओ स्मॉल r कैपिटल R और स्मॉल x में क्या रिलेशन है, पाइथागोरस थ्योरम सिंपल, तो r इक्वल टू क्या आ जाएगा स्मॉल r इक्वल टू आ जाएगा कैपिटल R स्क्वायर प्लस x स्क्वायर रूट में आ जाएगा। बोलो पाइथागोरस थ्योरम से स्मॉल r इक्वल टू क्या होगा कैपिटल R स्क्वायर प्लस x स्क्वायर, यही हो रहा है, रख दें यहां। तो E इक्वल टू कितना बोलो, K की वैल्यू क्या होती है, अब फाइनली लिख देते हैं 4 पाई एप्सिलॉन जीरो क्यू एक्स डिवाइड बाय स्मॉल r की जगह रूट लिखेंगे, रूट का मतलब पावर में 1 बाई टू, इधर 3 पावर है और रूट का मतलब 1 बाई टू, तो कितनी पावर आ गई r स्क्वायर प्लस x स्क्वायर की पावर 3 बाई टू ठीक है, रूट का मतलब 1 बाई टू और इंटू 3 है तो 3 बाई टू हो गया ना, तो ये फाइनली हमारे पास फॉर्मूला आया E इक्वल टू 1 अपॉन 4 पाई एप्सिलॉन 0 क्यू एक्स अपॉन आर स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर होल 3 बाई टू राइट। तो इतना डेरिवेशन आता है, फिर इसे ग्राफ राफ ड्रॉ करते हैं और इसी के आगे फिर और कहानी बढ़ाते हैं, मान लो इसी में और कुछ छोटे छोटे कॉन्सेप्ट भी पूछ सकते हैं। तो इसमें सेंटर पर अगर मैं फील्ड निकालता हूं इसमें ये छोटा सा चार्ज है उसके कारण फील्ड इधर आएगी डाउनवर्ड, इसकी फील्ड किधर आएगी ऊपर आएगी, इधर वाले की इधर आएगी, इधर वाले की इधर आएगी, सबकी एक दूसरे से अपोजिट आएंगे तो सारे कैंसिल हो रहे हैं, सभी कैंसिल हो जाएंगे तो सेंटर पे फील्ड जीरो, अदरवाइज वहां एक्स की जगह जीरो पुट कर दो तो भी फील्ड क्या हो रही है जीरो। एक और पॉइंट देखें, अगर ये एक्स पॉइंट पूरी रिंग से बहुत बहुत ज्यादा डिस्टेंस पर है, मतलब x की वैल्यू r के कंपैरिजन में बहुत बहुत ज्यादा है, तो यही फॉर्मूला क्या बनेगा। एक तो इसको कॉन्सेप्चुअली भी सोच सकते हैं, मान लो एक रिंग है और यहां से अपन खाली मैदान पड़ा हुआ है और सामने एक रिंग बनी हुई है, भले ही बड़ी सी रिंग है और यहां से हम देख रहे हैं, तो बहुत दूर अगर है एक आध किलोमीटर दूर ज्यादा है कहीं, तो वहां यहां से देखने पे वो रिंग कैसी दिखेगी, एक पॉइंट साइज की दिखेगी। बोलो अब पॉइंट साइज की दिखेंगे तो पूरा चार्ज हम इकट्ठा देखेंगे ना कि टुकड़ों में देखेंगे, या टुकड़ों में पूरा चार्ज हमको इकट्ठा ही दिखाई देगा। तो अब उस रिंग को क्या मान सकते हो आप, क्या मान सकते हो पॉइंट चार्ज मान सकते हो, और उस पॉइंट चार्ज से इधर एक्स डिस्टेंस पर फील्ड कितनी होगी 1 अपॉन 4 पाई एप्सिलॉन 0 क्यू डिवाइड बाय वहां से यहां तक डिस्टेंस कितनी है x, तो x स्क्वायर हो जाएगी ठीक है, समझ रहे हैं। तो अगर इस रिंग से बहुत ज्यादा डिस्टेंस पर x डिस्टेंस ज्यादा है तो वहां पर फिर ये रिंग को पॉइंट साइज का मान सकते हैं, और क्या आ जाएगा फिर फार्मूला E इक्वल टू 1 अपॉन 4 पाई एप्सिलॉन 0 क्यू बाई सिंपल x स्क्वायर। अदरवाइज इस फार्मूले से भी निकाल सकते हो आप, फार्मूले से कैसे निकालोगे देखो, फार्मूले से ऐसा सोच सकते हैं, पहला पॉइंट तो समझ आ गया पॉइंट नंबर 1 एट सेंटर ऑफ रिंग इलेक्ट्रिक फील्ड कितनी हो गई
जीरो, क्योंकि एक्स जीरो हो गया था। सेकंड, अब मैं बोल रहा हूं इफ एक्स इज वेरी वेरी ग्रेटर देन आर, तो उस केस में निगलेक्ट कर दो किसी को, किसको निगलेक्ट करोगे? एक्स के कंपैरिजन में आर बहुत छोटा है, तो एक्स स्क्वायर के कंपैरिजन में आर स्क्वायर और छोटा हो जाएगा, तो आर स्क्वायर को हटा दूं। तो यहां से आर स्क्वायर को हटाया तो क्या आया, एक्स स्क्वायर टू दी पावर 3/2, 2 से 2 भी कट गया, एक्स की पावर 3 और इधर एक्स है, तो एक्स से एक एक्स और चला गया, तो क्या बच गया, इक्वल टू 1/4πε0 बोलो q/x2, समझ गए, ये बन जाएगा। अब बात करते हैं कि e और x के बीच में ग्राफ क्या होगा, ग्राफ की जरा बात करें, ग्राफ कितना आएगा इसमें, देखिए यहां पर ये e है और ये x है, सोचो सेंटर पे फील्ड कितनी, जीरो, तो मतलब जीरो पर फील्ड जीरो, यहीं जीरो से स्टार्ट हुआ ग्राफ, इधर आगे चलते चले जाओ चलते चले जाओ, इनफाइनाइट पर पहुंचे, तो इनफाइनाइट पर हम यहां गए तो कुछ फील्ड कुछ कैसी बनेगी, जीरो बनेगी, मैक्सिमम बनेगी या कुछ भी बनेगी, बोलो इन्फिनिटी पर तो सब कुछ जीरो हो जाता है, मालूम है इन्फिनिटी पर इलेक्ट्रिक फील्ड जीरो होती है, क्योंकि इस चार्ज का इफेक्ट धीरे धीरे कम होने लगता है और इन्फाइनाइट पर फील्ड जीरो, तो इन्फिनिटी पर जीरो आ रही है, सेंटर पर भी जीरो, इन्फिनिटी पर भी जीरो, तो कहीं बीच में एक ऐसा पॉइंट होगा जहां पर फील्ड मैक्सिमम होगी, ठीक है ना, सिंपल सा कॉन्सेप्ट ये कहता है कि अगर यहां जीरो है इधर भी कहीं जीरो है तो इसका मतलब बीच में फील्ड बढ़ रही होगी, बढ़ के फिर कम हो रही होगी, फिर जीरो हुई, तो इसका ग्राफ कुछ ऐसा बनता है और ये फिर लाइन पैरेलल हो जाती है, मतलब इनफाइनाइट पर जाकर के ये लगभग जीरो हो जाती है। तो इस ग्राफ को अगर देखें ध्यान से तो x इक्वल टू जीरो पर तो जीरो है, लेकिन x की किसी वैल्यू पर फील्ड कैसी मिल रही है, मैक्सिमम मिल रही है, ठीक है, x की किसी वैल्यू पर फील्ड मैक्सिमम है। अब अपने को ये देखना है या ये कैलकुलेट करना है कि x की वो वैल्यू क्या है जिस पर ये फील्ड मैक्सिमम है, फिर जब ये समझ में आ जाए कि x की इतनी वैल्यू पर फील्ड मैक्सिमम है तो उस x की वैल्यू इस फॉर्मूले में रख दो तो वो फील्ड कौन सी निकल आएगी, मैक्सिमम फील्ड निकल आएगी कि इतनी होती है मैक्सिमम, ठीक है। तो ये पार्ट मैं आपको डिराइव कर रहा हूं और इसको आप एक बार समझ लें, ठीक है, और जस्ट नोट कर लें और कुछ नहीं करना इसमें। तो वैसे x इक्वल टू ये होता है r बाय रूट टू डिस्टेंस पर ये मैक्सिमम होती है, तो r बाय टू पर निकालते हैं कैसे आया, r बाय टू पर, r बाय रूट टू पर ये मैक्सिमम होती है, ठीक है, इसके लिए थोड़ा मैक्सिमम मिनिमा थ्योरम अप्लाई करनी पड़ेगी। तो देखो कैसे, आप ये तो नोट कर ही लो इतना तो कि एट सेंटर ऑफ रिंग e इक्वल टू जीरो If x is very greater than r, then e equal to 1/4πε0 q/x2 and graph between e and x, इस तरह से ग्राफ बनेगा, r by root 2 पर फील्ड होगी मैक्सिमम, फिर मैं ड्राइव करता हूं। फार्मूला, मेन फार्मूला क्या है, e equal to k मान लेता हूं इसको qx divide by r square plus x square की पावर कितनी, 3/2, यही है। अब इलेक्ट्रिक फील्ड मुझे कैसे शो करनी है, मैक्सिमम, तो अगर इसको मैक्सिमम शो करनी है और एक्स की वैल्यू निकालनी है तो एक्स अननोन हो गया और ई मैक्सिमम शो करनी है, तो डिफरेंशिएशन में आपने मैक्सिमम मिनिमा थ्योरम पढ़ी है कि ई के मैक्सिमम होने के लिए फॉर ई मैक्सिमम क्या होता है, ई का डिफरेंशियल अननोन क्वांटिटी एक्स के रिस्पेक्ट में क्या होना चाहिए, जीरो होना चाहिए। तो हम इस क्वांटिटी का एक्स के रिस्पेक्ट में डिफरेंशियल करेंगे और जीरो पुट कर देंगे, तो एक्स तो ऊपर भी है नीचे भी है, डिनोमिनेटर में भी है और न्यूमिनेटर में भी है, तो फिर क्या करना पड़ेगा, डिफरेंशियल का क्या फॉर्मूला होता है न्यूमिनेटर डिनोमिनेटर वाला, बोलो, अरे सिंपल याद करवाए देते,
नीचे डिनोमिनेटर इनटू डिफरेंशियल ऑफ न्यूमरेटर माइनस न्यूमरेटर डिफरेंशियल ऑफ डिनोमिनेटर डिवाइड बाय स्क्वायर ऑफ डिनोमिनेटर। नीचे वाला ऊपर वाले का डिफरेंशियल माइनस ऊपर वाला नीचे वाले का डिफरेंशियल डिवाइड बाय नीचे वाले का स्क्वायर। सिंपल सा याद करना था। चलो स्टार्ट करते हैं। देखो यहां डिनोमिनेटर से स्टार्ट करें, आर स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर होल पावर कितना 3/2 इंटू डिफरेंशियल ऑफ न्यूमरेटर, न्यूमरेटर में एक्स है ये तो कॉन्स्टेंट है, बराबर जीरो करेंगे तो उसको हटा दो, एक्स अपन केवल एक्स ले लें और ये वाला ले लें, तो एक्स का डिफरेंशियल क्या होगा 1। डिनोमिनेटर डिफरेंशियल ऑफ न्यूमरेटर माइनस न्यूमरेटर मतलब एक्स डिफरेंशियल ऑफ दिस डिनोमिनेटर। अब इसका डिफरेंशियल करोगे तो जो पावर है वो आगे आएगी 3/2 आर स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर की पावर 3/2 - 1, तो 3/2 - 1 कितने हो गए 1/2, 3/2 - 1 इज 1/2 इनटू इस ब्रैकेट का भी करेंगे फंक्शन ऑफ फंक्शन हो गया, आर स्क्वायर का 0 आर कांस्टेंट है और एक्स स्क्वायर का क्या हुआ 2x डिवाइड बाय पूरा जो डिनोमिनेटर दिया है आर स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर होल पावर 3/2 इसका क्या करना है होल स्क्वायर करना है बराबर 0। ठीक है तो इसको तो यहां ले जाएं मल्टीप्लाई कर दें 0 उड़ गया, इन दोनों में कुछ कॉमन ले लें, कुछ कॉमन आ रहा है आर स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर की पावर 1/2 कॉमन आ रहा है, इसमें भी होगा वो इसमें भी होगा, इसमें से पावर में से 1/2 हटा दिए क्या बचा आर स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर की पावर 1 बचा क्योंकि 1 + 1/2 इज 3/2। ठीक है माइनस इधर बताओ 2 से 2 कट गया 3x² इक्वल टू 0, ये प्लस है तो 0 हो नहीं सकता हटा दो इसको, बीच में माइनस है ये वाला ब्रैकेट 0 हो सकता है, तो ये हुआ आर स्क्वायर माइनस 3 में से 1 गया 2x² इक्वल टू 0, उधर शिफ्ट कर दो 2x² इक्वल टू आर स्क्वायर, एक्स इक्वल टू क्या आया आर स्क्वायर बाय 2 एक्स स्क्वायर इक्वल टू, तो आर एक्स इक्वल टू क्या आया आर बाय रूट 2, समझ रहे हैं प्लस माइनस आर बाय रूट 2 आया, प्लस माइनस आर बाय रूट 2 का मतलब है ये जो रिंग थी इसके इस साइड देखोगे तो यहां पर x इक्वल टू प्लस आर बाय टू पर आर बाय रूट 2 पर फील्ड कैसी होगी मैक्सिमम, और एक्सिस इस तरफ ले लें तो ग्राफ इधर ग्राफ इस साइड बन जाएगा लेकिन डायरेक्शन इलेक्ट्रिक फील्ड की पलट जाएगी, जो पहले इधर थी वो अब इधर हो जाएगी, तो वहां इसमें भी x इक्वल टू माइनस आर बाय रूट 2 पर क्या होगी फील्ड मैक्सिमम होगी। अच्छा इसको ऊपर बनाऊं या नीचे बनाऊं, ऐसे डायरेक्शन पलट गई, इधर मान लो इधर राइट साइड वाली डायरेक्शन को मैं अपवर्ड ले रहा हूं y एक्सिस ले रहा हूं, इधर लेफ्ट साइड वाली डायरेक्शन को क्या लेना चाहिए मुझे नेगेटिव y लेना चाहिए, इसका ग्राफ कैसा बनेगा ऐसा, समझ रहे हैं, तो ये फील्ड नेगेटिव फील्ड का मतलब है कि इसकी डायरेक्शन यहां पर अपोजिट है इस साइड, इसकी फील्ड इधर है और इसकी फील्ड इस साइड है, इसलिए ऐसा ग्राफ बनाया, तो आर माइनस आर बाय रूट 2 पर या प्लस आर बाय रूट 2 पर फील्ड कैसी होगी मैक्सिमम होगी, तो ये ऐसे निकाला हमने कि ये मैक्सिमम है। अब कितनी है मैक्सिमम है तो कोई ये पूछे, तो ये जो मेन फार्मूला है इसमें क्या कर दो जहां एक्स लिखा है उसकी जगह पर आर बाय रूट 2 लिख देते हैं, चलो निकालते हैं कितना आता है देखते हैं, ई मैक्स निकालना चाहते हैं कितनी होगी के क्यू की जगह क्यू लिखा रहे दो एक्स की जगह आर बाय रूट 2 होल डिवाइड बाय आर स्क्वायर प्लस बोलो आर बाय रूट 2 का होल स्क्वायर, ठीक है क्या आ गया होल पावर 3/2। थोड़ा सिंप्लीफाई कर लें के क्यू आर बाय रूट 2 बोलो इधर जरा आर स्क्वायर बाय 2 रह जाएगा आर स्क्वायर बाय 2 रह जाएगा, तो आर स्क्वायर प्लस आर स्क्वायर बाय 2 कितना बोलो आर स्क्वायर प्लस आर स्क्वायर बाय 2 अरे आर स्क्वायर प्लस आर स्क्वायर बाय 2 कितना 3r² / 2 तो यहां लिख दूं 3r² / 2 पावर में कितना जा रहा है
थ्री बाई टू, ठीक है। इधर देखो के क्यू आर बाय रूट टू बने रहने दो, और इधर आ जाओ। थ्री बाई टू को ऐसा लिख सकते हैं, ये मैंने कुछ आप जानते हो ना, एक्स की पावर थ्री बाई टू बराबर होता है एक्स रूट एक्स, होता है कि नहीं। तो थ्री बाई टू टू दी पावर थ्री बाई टू क्या लिखेंगे बोलो, थ्री बाई टू एंड होल ये रूट में थ्री बाई टू लिख सकते हैं। इधर आ जाओ आर स्क्वायर की पावर थ्री बाई टू, टू से टू कट गया, क्या आ गया आर की पावर तीन, ठीक है। और क्या हुआ बताओ, के क्यू आर बाय रूट टू, इधर टू रूट टू को ऊपर पहुंचा दूं, बोलो क्या लिख सकता हूं, इस टू रूट टू को ऊपर पहुंचाया जाए तो क्या आ जाएगा, टू रूट टू और एक पहले से ही, नहीं नहीं वो तो नीचे रूट टू है ना, तो टू रूट टू ऊपर पहुंचा, के क्यू आर बाई ये बाय रूट टू है इंटू, इधर बोलो कितना, थ्री रूट थ्री आर की पावर थ्री, तो रूट टू से रूट टू चला गया, फाइनली क्या आंसर आया, ए मैक्सिमम बोलो, टू के क्यू आर एक आर कट जाएगा, टू के क्यू डिवाइड बाय थ्री रूट थ्री आर स्क्वायर, यही मैक्सिमम फील्ड बने, ठीक है, समझ रहे हैं ना। तो ये इसको आप डायरेक्ट याद कर सकते हो, आप क्या करना है, x इक्वल टू प्लस माइनस आर बाई टू पर फील्ड मैक्सिमम होती है, कोई पूछे कितनी होती है तो इतनी होती है, टू के क्यू बाय थ्री रूट थ्री आर स्क्वायर, खत्म, है ना। ये तो सिंपल कैलकुलेशन है। देखिए क्वेश्चन है कि एक प्लस क्यू टू चार्ज था, ये सेंटर पर रखा है, इसके अराउंड कौन घूम रहा है, माइनस क्यू वन घूम रहा है, जिसका मास कितना है एम है, कितनी रेडियस में, आर रेडियस में, तो ऐसे सर्कल में रिवॉल्व कर रहा है, तो इसका टाइम पीरियड बताना है कितना टाइम पीरियड होगा। तो टाइम पीरियड फाइंड करने के लिए सबसे पहले चेक करो कि इस पर ये घूम भी पाएगा कि नहीं, क्या कंडीशन बताई मैंने अभी कि इस पर एक फोर्स लगना चाहिए और किसकी डायरेक्शन में होना चाहिए, वो सेंटर की डायरेक्शन में लग रहा है कि नहीं। माइनस क्यू वन है ये, प्लस क्यू टू है, तो माइनस क्यू वन क्या होगा, इस प्लस क्यू टू के कारण एक अट्रैक्टिव नेचर का फोर्स फील करेगा, कौन सी डायरेक्शन में, इस डायरेक्शन में एफ, यही होगा। इस एफ की वैल्यू क्या होगी, वन अपॉन फोर पाई एप्सिलॉन जीरो क्यू वन इंटू क्यू टू डिवाइड बाय आर स्क्वायर, यही होगी। अब अगर ये रेस्ट में है तो गिर जाएगा, इसलिए वो गिरने से बचने के लिए घूम रहा है। अब घूम रहा है तो सेंट्रीपिटल फोर्स चाहिए, सेंट्रीपिटल फोर्स कौन देगा, यही, तो वो होगा एम ओमेगा स्क्वायर आर, ठीक है। मैंने ये वाला इसलिए लगाया है ओमेगा वाला, क्योंकि इसमें टाइम पीरियड आता है, ओमेगा को टू पाई बाई टी लिख सकते हो, तो आपको मालूम है ओमेगा इक्वल टू क्या आता है, टू पाई बाय टी रख दें यहां, तो एफ इक्वल टू क्या आ गया, एम टू पाई बाय टी होल स्क्वायर इन टू आर, ठीक है। ये जो एफ है और ये वाला एफ है वो तो एक ही है, इसी ने तो सेंटीपिटल फोर्स दिया, तो दोनों को इक्वल कर दो, वन अपॉन फोर पाई एप्सिलॉन जीरो क्यू वन इन टू क्यू टू डिवाइड बाय आर स्क्वायर इक्वल टू कितना, एम बोलो इसको फोर पाई स्क्वायर बाय टी स्क्वायर इन टू आर, ठीक है। अपने को तो टी निकालना है, बाकी कुछ कैंसिल वैंसिल हो रहे हैं तो हटा दो, क्या कैंसिल हो रहा है, कुछ भी नहीं हो रहा, तो टी स्क्वायर यहां ले लो, टी स्क्वायर यहां आ गया, ये सारा ऊपर पहुंचाओ, तो फोर पाई एप्सिलॉन नॉट, इधर क्या हुआ फोर पाई स्क्वायर और आर स्क्वायर और आर कितने हो गए आर क्यूब, डिवाइड में क्या आया क्यू वन क्यू टू, ये आया, मुझे तो टी निकालना है, एम और ले लो, ठीक है, टी निकालना है तो क्या करेंगे स्क्वायर रूट ले लो, तो टी इक्वल टू आ गया फोर पाई एप्सिलॉन जीरो एम इंटू फोर पाई स्क्वायर आर क्यूब बाय
Q1, Q2 एंड अंडर रूट। ठीक है, बस ये आंसर हो गया। देखो यही है कि नहीं, ये आ जाएगा बस 4 जा 16 हो जाएगा और पाई की पावर 3 हो जाएगा। ठीक है, तो चाहे तो एक स्टेप और बढ़ा लें, अंडर रूट 4 जा 16 पाई टू द पावर 3 एप्सिलॉन 0 एम आर टू द पावर 3 होल डिवाइड बाय Q1 Q2। क्वेश्चन में, इस क्वेश्चन में क्या बोला गया है, क्वेश्चन नंबर कौन सा है बुकलेट का, 44। देखिए क्वेश्चन 44 में मैं आपको पहले पढ़ के सुना रहा हूं, ठीक है, फिर हम डिराइव कर इसको सॉल्व करते हैं। लास्ट टर्न पे किया था वही है। टू स्मॉल स्फीयर्स ईच हैविंग मासेस एम केजी एंड चार्ज क्यू कूलम इज सस्पेंडेड फ्रॉम ए पॉइंट बाय इंसुलेटिंग थ्रेड्स ऑफ एल मीटर, वो 1 मीटर की जगह एल मीटर है, एल मीटर लॉन्ग बट ऑफ नेग्लिजिबल मास, इफ थीटा इज एन एंगल ईच थ्रेड मेक्स विद द वर्टिकल व्हेन इक्विलिब्रियम हैज बीन अटेंड, शो दैट क्यू स्क्वायर इक्वल टू 4mgl स्क्वायर sin स्क्वायर थीटा mg tan थीटा 4π एप्सिलॉन नॉट। सिंपल, आपने क्या किया, यहां पर इस तरह से आप लास्ट टर्न का डायग्राम ध्यान में लाओ, मास सेम है, चार्ज भी सेम है, ठीक है, और वर्टिकल से एंगल ये थीटा, यही था। इधर डाउनवर्ड डायरेक्शन में एम जी फोर्स लग रहा था, इन दोनों के बीच में सेपरेशन एक्स था इक्विलिब्रियम में, इसमें टेंशन टी डेवलप हुआ था, ये थीटा था, तो ये क्या था, टी कॉस थीटा, इधर क्या था, टी साइन थीटा, इसने इसको रिपेल किया तो फोर्स लगा था, यही था। इक्विलिब्रियम में हमने क्या पढ़ा था कि टी कॉस थीटा इक्वल टू किसके इक्वल है, एम जी की, और टी साइन थीटा इक्वल टू किसके इक्वल है, एफ। इन दोनों से फिर लिया था एफ ही, सॉरी क्या लिया था, टेन थीटा इक्वल टू कितना, टेन थीटा इक्वल टू एफ अपॉन एम जी, टी टी कट गए थे, एफ अपॉन एम जी। अब मुझे इसमें क्यू की वैल्यू चाहिए। अब आंसर देखो कि आंसर में किस किस के टर्म में आपको आंसर चाहिए। एक तो चार्ज की वैल्यू चाहिए, तो चार्ज की वैल्यू इधर से आ जाएगी, फोर्स में चार्ज आता है, ठीक है, और मुझे साइन में चाहिए, पहली बात उसमें साइन में भी दिया है, टेन थीटा भी चाहिए आंसर में, टेन थीटा तो है हमारे पास, साइन नहीं है। दूसरा मुझे एक्स नहीं चाहिए, क्योंकि आंसर में देखो आप एक्स नहीं है, आंसर में एक्स है क्या, लेकिन लेंथ है, यहां से यहां तक लेंथ इसमें आंसर में है, ठीक है, और एक्स नहीं है, तो मतलब कहीं ना कहीं आपको एक्स को रिप्लेस करना पड़ेगा किससे, साइन थीटा से, ठीक है। तो एक काम करते हैं, टेन थीटा इक्वल टू है क्या, बोलो टेन थीटा बना रहने दो, इसको लिख रहने दो, एफ की वैल्यू क्या है, 1/4πε0 क्यू इंटू क्यू क्यू स्क्वायर, ठीक है, अपॉन एक्स स्क्वायर हो जाएगा इंटू 1/mg, ये ठीक है, बोलो टेन थीटा इक्वल टू एफ की वैल्यू 1/4πε0 क्यू स्क्वायर अपॉन एक्स स्क्वायर 1/mg। अब क्यू स्क्वायर निकालना है आपको, सब इधर ले जाओ, ठीक है, तो देखो क्यू स्क्वायर इक्वल टू आ गया टेन थीटा इंटू 4πε0 एक्स स्क्वायर एम जी, ये ठीक है। अब सिंपल एक्स रिप्लेस हो जाए साइन से, आंसर आ गया। तो आप इस ट्राइंगल में चलो, इस ट्राइंगल में साइन थीटा इक्वल टू क्या आ जाएगा, परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेनस, परपेंडिकुलर कितना बोलो, ये आधा एक्स का आधा एक्स बाई टू, और हाइपोटेनस एल, यही है x बाई टू अपॉन एल, ठीक है, तो बोलो x इक्वल टू क्या आ गया 2l साइन थीटा, x इक्वल टू क्या मिल रहा है 2l साइन थीटा, रख दूं वहां तो कितना मिलेगा 4πε0 पहले ले लेता हूं tan थीटा, ये लिख लिया, x की वैल्यू कितनी है 2l, मतलब हो गया 4l स्क्वायर, ठीक है, इधर साइन स्क्वायर थीटा इंटू एम जी, ये ठीक है। मुझे Q चाहिए था तो स्क्वायर रूट ले लें, ठीक है ना, अब मिलाओ यही आंसर है क्या, Q स्क्वायर ही चाहिए तो फिर रूट मत लो, Q स्क्वायर ही चाहिए तो फिर स्क्वायर रूट मत लीजिए,
यही आंसर है। ठीक है, क्या आंसर दिया है? 4 pi epsilon 0 बाहर आ गया, ब्रैकेट के बाहर ले लिया है। 4 mg है इसमें, 4 mg देखो है कि नहीं है, इधर से आएगा ना 4, ये mg, 4 mg मिल जाएगा। एल स्क्वायर ये है, साइन स्क्वायर थीटा है, टेन थीटा है, बस यही आंसर हो गया। ठीक है ना, ऐसे कर। मैं आपको रीड आउट कर रहा हूं आपके लिए और इसको आप ट्राई करिएगा। एन इलेक्ट्रॉन इज प्रोजेक्टेड फ्रॉम अ डिस्टेंस डी एंड विद इनिशियल वेलोसिटी यू पैरेलल टू अ यूनिफॉर्मली चार्ज फ्लैट कंडक्टिंग प्लेट एज शोन इन फिगर। इट स्ट्राइक्स द प्लेट आफ्टर ट्रेवलिंग अ डिस्टेंस एल अलोंग द डायरेक्शन ऑफ प्रोजेक्शन। द सर्फेस चार्ज डेंसिटी ऑफ कंडक्टिंग प्लेट इज इक्वल टू। आपको इस प्लेट की कंडक्टिंग प्लेट जो दी हुई है नीचे एक्स एक्सिस पर, उसकी सरफेस चार्ज डेंसिटी कितनी है वो बतानी है। ठीक है, आपके ऑप्शंस दिए हुए हैं। फर्स्ट ऑप्शन 2d epsilon 0 mu square upon el square, सेकंड ऑप्शन इज 2d epsilon 0 mu upon el, थर्ड इज 2d epsilon 0 mu square upon el एंड फोर्थ वन इज d epsilon 0 mu upon el। चलिए ट्राई करिए फिर। हेलो फ्रेंड्स, दिस इज मनोज नायक फ्रॉम फिजिक्स कॉन्सेप्ट ग्वालियर। कल जो हमने क्वेश्चंस दिया था, क्वेश्चन ऑफ द डे, आज हम उसको डिस्कस करने वाले हैं। तो इसका आंसर आप सभी ने निकाल लिया होगा, इसका आंसर ए है, बिल्कुल सही बात है। ठीक है, चलिए डिस्कस करते हैं। इसमें यह दिया हुआ है, एन इलेक्ट्रॉन इज प्रोजेक्टेड फ्रॉम डिस्टेंस डी विद इनिशियल वेलोसिटी यू पैरेलल टू यूनिफॉर्मली चार्ज फ्लैट कंडक्टिंग प्लेट। यहां पर एक कंडक्टिंग प्लेट है। इट स्ट्राइक्स द प्लेट आफ्टर ट्रेवलिंग अ डिस्टेंस एल, ये एल डिस्टेंस कवर करके यहां पर कहीं इलेक्ट्रॉन गिर जाता है। ठीक है, द सरफेस चार्ज डेंसिटी ऑफ दिस कंडक्टिंग प्लेट, इस कंडक्टिंग प्लेट की हमें सरफेस चार्ज डेंसिटी सिग्मा निकालनी है। कंडक्टिंग प्लेट ये एक्स एक्सिस पर रखी हुई है, इसकी सरफेस चार्ज डेंसिटी फाइंड करना है। इस पूरे क्वेश्चन में आप देखें कहीं ग्रेविटी की बात नहीं हो रही है, इसका मतलब ये है कि ये एक प्लेट रही होगी। ठीक है, और इस प्लेट पर पॉजिटिव चार्ज रहा होगा क्योंकि इलेक्ट्रॉन इसकी तरफ आ रहा है, इलेक्ट्रॉन को हमें प्रोजेक्ट करना है और इलेक्ट्रॉन इस तरह से आ रहा है इस पाथ को फॉलो करते हुए। मींस इलेक्ट्रॉन पर, इलेक्ट्रॉन को ये पॉजिटिव प्लेट अपनी तरफ अट्रैक्ट कर रही होगी। ठीक है, तो ये प्लेट अपने ये वाई डायरेक्शन में यहां पर आप देखेंगे कि एक इलेक्ट्रिक फील्ड डेवलप करेगी और वो इलेक्ट्रिक फील्ड कितनी होती है, सिग्मा अपॉन एप्सिलॉन नॉट। ठीक है, प्लेट के कारण इलेक्ट्रिक फील्ड। अच्छा, ये इलेक्ट्रिक फील्ड इस इलेक्ट्रॉन पर फोर्स अप्लाई करेगी, वो कौन सी डायरेक्शन में होगा, अपोजिट टू दिस इलेक्ट्रिक फील्ड। तो इलेक्ट्रिक फील्ड पॉजिटिव वाई डायरेक्शन में है, तो इस पर जो फोर्स अप्लाई होगा इस इलेक्ट्रॉन पर वो नेगेटिव वाई डायरेक्शन में होगा, और वो कितना होगा आप देख सकते हैं, एफ इक्वल टू क्यू ई होता है, तो क्यू की जगह में स्मॉल ई और इलेक्ट्रिक फील्ड को मैंने लिख दिया सिग्मा अपॉन एप्सिलॉन जीरो। ठीक है, ये नेगेटिव वाई डायरेक्शन में है, ये आप ध्यान रखिएगा, माइनस जे चाहूं तो मैं लिख सकता हूं। ओके, अच्छा, यहां पर ये हमारे पास एफ वाई आ गया, वाई डायरेक्शन में, नेगेटिव वाई डायरेक्शन में ये फोर्स आ गया, उसके कारण यहां गिरेगा। अब अगर मैं आपसे कहूं कि एक्स डायरेक्शन में कोई एक्सिलरेशन है इसमें, बिल्कुल नहीं है, क्योंकि एक्स डायरेक्शन में यूनिफॉर्म वेलोसिटी है, एक्स डायरेक्शन में कोई एक्सिलरेशन नहीं है क्योंकि कोई भी फोर्स एक्स डायरेक्शन में नहीं लग रहा है, तो एक्स डायरेक्शन में एक्सिलरेशन भी इसका नहीं होगा और एक्स डायरेक्शन में जो वेलोसिटी होगी वो यू ही रहेगी इसकी। ठीक है, वाई डायरेक्शन में एक्सिलरेशन लगेगा क्योंकि वाई डायरेक्शन में मींस नेगेटिव वाई डायरेक्शन में ये फोर्स लग रहा है। इस फोर्स का मैग्नीट्यूड मैं निकालूं तो ये माइनस हट जाएगा, ठीक है ना, ई सिग्मा अपॉन एप्सिलॉन नॉट। तो यहां पर हम बात कर रहे हैं एफ वाई की, तो यहां से एक्सिलरेशन फाइंड कर सकते हो, एम ए वाई इक्वल टू एम ए बाय इक्वल टू आ जाएगा ई सिग्मा बाई एप्सिलॉन जीरो। तो वाई डायरेक्शन में एक्सिलरेशन कितना आया, ई सिग्मा अपॉन एम एप्सिलॉन जीरो, ये वाई डायरेक्शन में मींस नेगेटिव वाई डायरेक्शन में आपको एक्सिलरेशन मिल गया है। ठीक है, अच्छा, अब बात करते हैं कि आप देखो ये एल, एल आखिर कितना होगा,
ये मान लो यहां से यहां तक टी टाइम में आ गया, यहां टी टाइम लगा, तो एल मींस हॉरिजॉन्टल डिस्टेंस कितनी होगी, वो होगी हॉरिजॉन्टल वेलोसिटी इनटू टाइम टी, राइट, ठीक है। अच्छा ये वर्टिकल डिस्टेंस कितनी होगी, वर्टिकल डिस्टेंस आपको मालूम हो है कि वर्टिकल डायरेक्शन में इनिशियल वेलोसिटी तो जीरो है, यू वाई तो जीरो है, ठीक है। और यहां हम ये फॉर्मूला वर्टिकल डायरेक्शन के लगा सकते हैं, एस इक्वल टू यू टी प्लस हाफ ए टी स्क्वायर। वाई डायरेक्शन में बात करना है तो वाई डायरेक्शन में डिस्टेंस डी है, इनिशियल वर्टिकल वेलोसिटी यू वाई जीरो है प्लस हाफ। और यहां मैग्नीट्यूड की बात करें तो एक्सेलरेशन वाई डायरेक्शन में क्या था, नेगेटिव वाई डायरेक्शन था, लेकिन मैग्नीट्यूड क्या है आप देख रहे हैं, स्मॉल ई सिग्मा अपॉन एम एप्सिलॉन जीरो टी, टी को आप यहां से उठा के रख दो, एल अपॉन यू कितना आ जाएगा, एल स्क्वायर बाय यू स्क्वायर, ठीक है। बस इसी को सॉल्व कर लीजिए, ये सिग्मा आपको फाइंड करना है, तो सिग्मा इक्वल टू मिल रहा है आप देख सकते हैं 2m एप्सिलॉन जीरो यू स्क्वायर डी, मतलब इसको लिख सकते हैं 2d एप्सिलॉन जीरो m u स्क्वायर होल डिवाइड बाय कितना आएगा e l स्क्वायर, ये आंसर हो जाएगा a, ठीक है ना। तो इस तरह से सॉल्व करेंगे।